Assalamu alaikum and a very warm welcome at Dashboard Reporting and Analysis with Power BI Training Program's online orientation and on-campus orientation being offered at UXL Training Platform. And let us now discuss further about how this program will benefit you and what are the different course outlines that will be covered. First of all, we'll be discussing about the business intelligence concepts. Then we'll be discussing about the Power BI as a tool. Further, we'll be discussing about emerging career paths that may lead once you complete the Power BI training program. What are the different career paths that you can move towards? We'll be also discussing about the UXL training platform and its training facilitators. Further on, we'll be discussing about the outline and giving you a proper orientation of what will be the chapters that will be covered so that your skills are upgraded and enhanced towards Power BI. We'll be discussing about the schedule with program fee details. Now let us discuss about the business intelligence concepts. We have to first go back to our history. कि ये business intelligence के concepts किस तरीके से evolve हुए और किस तरीके से इन्होंने business intelligence से किस तरीके से हमारी जो companies हैं, हमारी जो organizations हैं, उनको किस तरीके से benefit दिया. Let us now move on to first of all the स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स. आज से अगर बहुत साल पहले तकरीबन 40 साल ले लें या 50 साल ले लें तो हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स बनती थी जिसके ऊपर मैनेजमेंट की रिपोर्टिंग होती थी. उन मैनेजमेंट रिपोर्ट्स में हम नॉर्मली डिस्कस करते थे एक क्वेश्चन, वो है व्हाट हैपेंड. ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन आप यहाँ पे एक चीज एनालाइज करें या एक चीज पे आप गौर करें कि व्हाट हैपेंड मतलब पास्ट के डेटा पे डिस्कस हो रहा है, क्योंकि आज से 40 साल पहले या 50 साल पहले जो डेटा रिपोर्टिंग मैकेनिज्म होता था उसमें जो हमारे पास अब तक हो चुका उसकी एक मिसाल के तौर पे एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है. तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जनरेट होगी कि क्या क्या एक्टिविटीज हुई हैं, कहाँ पे रेवेन्यू हमारा प्रोडक्ट वाइज ग्रो हुआ है, कहाँ पे हमारा जो है वो हमारी कॉस्ट ऑफ सेल की जो कॉस्ट ऑफ सेल है वो इंक्रीज हुई है. तो ये पास्ट डेटा पे हो रहा है तो उसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं व्हाट हैपेंड, स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स बन रही है. फिर हम उन स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स में से फर्दर एडहॉक रिपोर्ट्स डिफरेंट बनाते गए. एडहॉक रिपोर्ट्स मिसाल के तौर पे आपको एक एग्जांपल दे दूं फॉर द पर्पस ऑफ इलस्ट्रेशन है कि आपके पास अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है और उसमें हाईलाइट हो गया कि सबसे ज्यादा जो है आपकी जो वेयरहाउस कॉस्ट है उसमें जो प्रोडक्ट कॉस्ट है वो जो मतलब एक्चुअली कॉस्ट ऑफ सेल होती है, मतलब बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है उसकी कॉस्ट जो है वो आपको ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है वो आपको जो है अभी बहुत हाई पड़ रहा है. मतलब मिसाल के तौर पे अभी वैसे आपका होना चाहिए जीपी मार्जिन 80%, लेकिन एक्चुअली वो आपको जीपी मार्जिन आपको अभी मिसाल के तौर पे आपको सिर्फ कम पड़ रहा है, बहुत ज्यादा 20% पड़ रहा है. तो ये गैप क्या है, व्हाई इज द कॉस्ट ऑफ सेल हाई, इसको मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ. तो आपने वो स्टैंडर्ड रिपोर्ट बनाई और उस स्टैंडर्ड रिपोर्ट में से आपने देखा कि कॉस्ट ऑफ सेल इस रेशियो इज वेरी हाई. अब आप उसमें से एक एड हॉक रिपोर्ट बना रहे हैं कि भाई अब ये चेक करो कि प्रोडक्ट कॉस्ट में कहां पे कॉस्टिंग में इशू आ रहा है, क्या हमारी शायद शिपमेंट कॉस्ट बढ़ गई है या कोई करेंसी एक्सचेंज की वजह से फ्लक्चुएशन हुई जिसकी वजह से क्या हमारा वो जो रॉ मटेरियल जो आता था उसकी कॉस्ट बढ़ गई है जिसकी वजह से वो कॉस्ट ऑफ सेल हमारी बढ़ गई है. ये मैं आपको एक फाइनेंस की टर्मिनोलॉजी में एग्जांपल दे रहा हूँ. आई एम प्रीटी श्योर यहाँ पे हमारे पास सप्लाई चेन एचआर और क्वालिटी अश्योरेंस डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहे होंगे प्रोफेशनल्स, बट ये एक फाइनेंस की टर्मिनोलॉजी का एक एग्जांपल दे रहा हूँ. मकसद बताने का ये है कि एक स्टैंडर्ड रिपोर्ट बनती है और उस स्टैंडर्ड रिपोर्ट में से एडहॉक रिपोर्ट्स बन रही है हमारी और उसमें डिस्कस कर रहे हैं कि ये इशू क्यों बार बार हाईलाइट हो रहा है. तो यहाँ पे हमारी बिजनेस इंटेलिजेंस गैदर कर रहे हैं ताकि हम बिजनेस की जो एफिशिएंसी है उसको और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करें और उस पर ज्यादा एफिशिएंसी लेकर आए. उन एडहॉक रिपोर्ट्स में से फर्दर क्वेरी ड्रिल डाउन हो रही है. अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि ये कॉस्ट ऑफ सेल में जो प्रोडक्ट ए है सबसे ज्यादा कॉस्ट इसकी है, पता इसको फर्दर ड्रिल डाउन करें कि ये कौन सा सप्लायर है हमारा या ये कौन सा वो सेक्शन है जहां से ये इस मटेरियल प्रोडक्ट ए की जो कॉस्ट रॉ मटेरियल की ये यहां से आ रही है, क्यों आ रहा है, क्या कंपटीशन में हमारे पास कुछ और भी सप्लायर्स हैं जो कि इस मटेरियल को सप्लाई कर सकते हैं ताकि हम अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करें.
इस तरीके की डिफरेंट एनालिसिस हो रही है, लेकिन वो एनालिसिस तो तब होगी जब हमारे पास डेटा होगा, जब हम क्वेरी डाउन ड्रिल डाउन करेंगे तब हमें, तो दैट मींस कि ये हमारे पास अब एग्जैक्टली हम एग्जैक्ट प्रॉब्लम पे हाईलाइट होके पहुंच गए कि ये पूरी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कॉस्ट ऑफ सेल हाई है जो कि हमारे ग्रॉस प्रॉफिट को जो है वो हिट कर रही है, और उस कॉस्ट ऑफ सेल में ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट का एक इंग्रीडियंट है जो कि इसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है या बहुत ज्यादा हाई है, तो हम एग्जैक्ट उस प्रॉब्लम पे पहुंच रहे हैं थ्रू दिस बिजनेस इंटेलिजेंस एंड डेटा गैदरिंग, राइट। इसी तरीके से अगर मैं एचआर का एग्जांपल लूंगा तो एचआर का भी इसी तरीके से उनके अपने कई कौन सी ऐसी ब्रांच है जहां पे सबसे ज्यादा सिक लीव होती है। अब पूरे पाकिस्तान में अगर मिसाल के तौर पे 100 ब्रांचेस हैं किसी एक बैंक की, उन 100 ब्रांचेस में से एक एनालिसिस आ जाएगा कि सबसे ज्यादा सिक रेशियो जो है वो हमारा जो है वो क्लिफ्टन की ब्रांच में है, या फिर मिसाल के तौर पर शहर फैसल वाली ब्रांच में, एक पर्टिकुलर ब्रांच का नाम है, एरिया का नाम है। तो फिर अब उसमें फर्दर ड्रिल डाउन होगा, तो ये क्या होगा जब आपके पास पूरी एक डेटा आएगी तो फर्दर आप ड्रिल डाउन करते हुए जाएंगे और एक्चुअल बॉटम लाइन के प्रॉब्लम पर पहुंचेंगे। वो तब हो सकेगा जब आपके पास डेटा हो और आपके पास बिजनेस इंटेलिजेंस की टेक्निक्स हो, तो फिर ही आप उसके ऊपर जाके ड्रिल डाउन करके पहुंच सकते हैं। अब हम फर्दर मूव ऑन करते हैं और अब हम एक अपने फ्यूचर के अलर्ट्स एक सेट कर लेते हैं। हम अपनी बिजनेस इंटेलिजेंस को अब स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं और स्ट्रॉन्ग करते हुए अब हमने एक सिस्टम का अलर्ट सिस्टम सेट कर लिया। अब मैं अगर उसी एग्जांपल पे आ जाऊं कॉस्ट ऑफ सेल वाले, तो जब ये प्रोडक्ट ए की कॉस्ट $100 से ज्यादा हो जाएगी तो एक सिस्टम में अलर्ट आना चाहिए कि ये क्यों कॉस्ट पर रॉ मटेरियल $100 क्यों पहुंच रहा है। जैसे ही वो $101 हो तो वो सिस्टम में अलर्ट आ जाए कि ये रॉ मटेरियल अब एक्सपेंसिव पड़ रहा है एज कम्पेयर टू हमारा जो हमने जो टारगेट सेट किया या जो हमने बजट सेट किया हुआ है। एचआर का भी इसी तरीके से एग्जाम्पल, ये नंबर ऑफ इंप्लॉइज अगर इतना परसेंटेज रेशियो अगर हमारे पास लेट कमिंग का हो गया, 10% ऑफ द इंप्लॉइज आर कमिंग लेट इन पर्टिकुलर ब्रांच, तो उसके ऊपर सिस्टम में अलर्ट आ जाए कि भाई ये ब्रांच में 10% ज्यादा रहा, ताकि उसमें फिर ड्रिल डाउन करें उस ब्रांच का जो मैनेजर हो उससे हम फर्दर इन्वेस्टिगेट करें कि क्या एग्जैक्ट रीजन है। तो ये हमने अलर्ट सेट करने के लिए ताकि हम एक्शन पॉइंट सेट कर सकें। मकसद क्या था कि उस मसले का हल निकले, पहले हम उस एग्जैक्ट प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें फिर उसके ऊपर कुछ एक्शन लें। लेकिन इन सारे स्टेप्स के पीछे बैकग्राउंड में एक चीज चल रही है, वो क्या है डेटा, और सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस इंटेलिजेंस। पीछे तो बीआई चल रहा है, वो बिजनेस इंटेलिजेंस आपको बता रहे हैं, इंडिकेटर्स बता रहे हैं आपको कि कहां पे ड्रिल डाउन में आपके पास इश्यूज आ रहे हैं ताकि आप उनके ऊपर तुरंत एक्शन ले सके। एक उसके बाद यहां पे हम जो भी चीजें डिस्कस कर रहे हैं वो सारी डिस्कस हो रही हैं, जो हमें रियलाइज करने की जरूरत है वो हो रही है डेटा एक्सेस एंड रिपोर्टिंग एट ऑपरेशनल लेवल। अभी हम ऑपरेशनल लेवल की चीजों को डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन बिजनेस तो सिर्फ ऑपरेशंस में नहीं चलता, बिजनेस तो दो चीजों में चलता है, एक तो ऑपरेशंस जो कि ग्राउंड लेवल पे चीजें चल रही हो, और दूसरा होता है एट द स्ट्रेटेजिक लेवल। अब स्ट्रेटेजिक लेवल पे डिस्कस करते हैं, जहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हो रही है, जहां पे सीईओ लेवल पे मीटिंग हो रही है, वहां पे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होती है कि भाई स्टैट्स क्या है इसके, क्यों ये ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है, What? Why is this happening? मैं जो operations का staff होगा या operational level की जो command होगी, staff line होगी, वो तो actual छोटे-छोटे मसलों को discuss करेगी, लेकिन जो senior management है वो करेगी कि इसको बुनियाद से पकड़ो कि क्यों हो रहा है ये, वो statistical analysis करेगी। तो जितना वो अपनी business intelligence को sophisticate करता ही जा रही है business, उतना आप देखें कि competitive advantage बढ़ता जा रहा है। जितना आपने अपने बिजनेस में बीआई को अपने को इन्वॉल्व किया, आपने उस बीआई से अपनी डेटा को ड्राइव किया, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे यूजर एक्सपीरियंस का, कस्टमर सर्विसेज का एग्जांपल ले लेता हूँ। कितनी नंबर ऑफ कंप्लेंट्स हैं जो हमारे पास आती हैं, उनमें से नंबर ऑफ कंप्लेंट्स का सबसे ज्यादा रेशियो कहाँ पे है? सबसे ज्यादा रेशियो हमारे पास अकाउंट ओपनिंग में है कि अकाउंट ओपनिंग के प्रोसेस में कुछ ऐसी हर्डल्स है जिसकी वजह से अकाउंट ओपन ही नहीं होते लोगों के, और लोगों को 15 दिन लग जाते हैं अकाउंट ओपन ही नहीं होता। ये एक बैंक है जो एनालाइज कर रही है।
तो अब आप फर्दर एनालाइज करें कि अब अकाउंट ओपनिंग में क्या ऐसे स्टेप्स है, लेकिन वो आप जब अकाउंट ओपनिंग में जा रहे हैं तो उससे पहले आपके पास डेटा होगा तो आप कस्टमर सर्विसेज के एक्सपीरियंस को एनालाइज करेंगे, क्योंकि ये आपके डायरेक्टली बैंकिंग आपकी जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है उस पर फाइनेंशियली आपको हिट कर रहा है। जो कस्टमर्स अपनी बैंक नहीं खोल पा रहे, बैंक अकाउंट नहीं खोल पा रहे, दैट मीन्स वो अपना कैपिटल आपके पास नहीं डालेंगे और आपके पास वो कैपिटल नहीं आएगा, आप लूज करें और वो कॉम्पिटिटर्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, विच मीन्स के आपको एनालाइज करने की जरूरत है। ये मैं एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो मतलब फाइनेंस का एक तो ये बिजनेस इंटेलिजेंस तो फाइनेंस में, एचआर में, कस्टमर सर्विसेज में, हर जगह पे, सप्लाई चेन में, क्वालिटी अश्योरेंस में, हर पार्ट में बीआई इन्वॉल्व होती है। क्यों? क्योंकि बिजनेस का बुनियादी मकसद होता है प्रॉफिट्स लेना और अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करना, तो उसके लिए उनको ये एनालिसिस की जरूरत पड़ती है। अब हम जो है वो नेक्स्ट लेवल पे फर्दर मूव हो गए कि अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू करता रहा तो बिजनेस को क्या नुकसान होगा। मिसाल के तौर पे अगर वही रॉ मटेरियल एक्सपेंसिव हम लेते रहे, अल्टीमेटली वो जीपी प्रॉफिट, अल्टीमेटली वो ग्रॉस लॉस हो जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट तो छोड़े, ग्रॉस लॉस हो गया, वो जो पुराना एग्जाम्पल मैं आपको एक इंग्रीडियंट का, रॉ मटेरियल का शेयर कर रहा था, तो मैनेजमेंट के लिए और भी ज्यादा कंसर्निंग होता है, बिकॉज मैनेजमेंट अभी को फोकस तो करती है लेकिन अभी के साथ साथ वो फ्यूचर को भी फोकस करती है कि फ्यूचर में ये अगर ट्रेंड्स कंटिन्यू होंगे तो क्या होगा। तो ये आपको यहाँ पे बिजनेस इंटेलिजेंस बताती है। फिर इसके बाद हम और भी सोफिस्टिकेटेड अब हो गए हैं, अब हम और भी करीब आते जा रहे हैं, मतलब अब आप समझे 2020s या 2010 इसमें आगे, जिसमें अब हम प्रिडिक्टिव मॉडलिंग अप्लाई करते हैं। प्रिडिक्टिव मॉडलिंग में ये होता है कि अगर ये सिनेरियो चलता गया तो क्या नेक्स्ट हो सकता है। मिसाल के तौर पे इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल आपको मैं एक और दे सकता हूँ, COVID-19। पता नहीं कितने बिजनेसेस हैं जिनको COVID-19 ने इंपैक्ट किया। बहुत सारे ऐसे बिजनेस थे जो कि सप्लाई चेन पे बाहर से प्रोडक्ट्स आते थे, अब उनके अगर प्रोडक्ट्स नहीं आ रहे यहाँ पे पाकिस्तान में, मिसाल एक बात है, तो उनके हिसाब से प्रेडिक्टिव मॉडलिंग ये कह रही है कि ये बिजनेस स्टॉप हो सकता है, इस बिजनेस की कंटिन्यूटी पे थ्रेट आ सकती है, गोइंग कंसर्न आ सकता है। तो ये कैसे होगा, ये आपको बिजनेस इंटेलिजेंस बताएगी कि अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू होता रहा तो इसके बाद ये सिनेरियोस आ सकते हैं, उसमें सिनेरियो ए, सिनेरियो बी, सिनेरियो सी, सिनेरियो डी, वो 3-4 सिनेरियोस आपके पास एनालिसिस हो सकते हैं। और फिर अल्टीमेटली ये एक बिल्कुल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का हाईएस्ट फॉर्म है, जिसमें हम ऑप्टिमाइजेशन की तरफ जाते हैं कि व्हाट्स द बेस्ट दैट कैन हैपन। मतलब 5 सिनेरियोस आ गए, उन 5 सिनेरियोस में चूज द बेस्ट वन, कि ये वाला सिनेरियो सबसे मोस्ट लाइकली लग रहा है कि ये हो सकता है। दैट मीन्स आपकी डिसीजन मेकिंग में और भी ज्यादा क्लैरिटी आ रही है थ्रू दिस एनालिसिस। तो अब हम अगर रिकैप करें तो दिस इज राइट द जर्नी दैट स्टार्टेड फ्रॉम स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स, और कहां पे अब ऑप्टिमाइजेशन पे दुनिया जा रही है, ऑप्टिमाइज डिसीजन। अब हमें अपने आप से ये सवाल पूछना है कि हम स्किल वाइज और हमारी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी लेवल पे अभी खड़ी हुई है, क्योंकि दुनिया तो ये बोल रही है, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है वो तो ऑप्टिमाइजेशन की बात कर रहा है। So that is why I would really like to congratulate you all. Why I would like to congratulate you all? Because you are the people who have attended this orientation demo and you realize that ki kahin na kahin koi gap hai hamare skills mein, ya kahin na kahin koi hamari organization mein us optimization level pa kuch gap hai. And through this training, inshallah ta'ala, you will fulfill that gap. Lekin कॉन्ग्रेचुलेट मैं आपको इसलिए करना चाहता हूं कि पहले तो उस चीज का एहसास कि यार ये कुछ ऐसा हो रहा है, अब मुझे अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। तो इसलिए हमेशा मैं आपको इंकरेज करता हूं कि बाकी सब आज संडे का दिन है, पीपल आर स्लीपिंग एंड देयर हैविंग देयर ओन रेस्ट, बट यू आर स्पेशली टेकिंग आउट योर स्पेशल टाइम एंड यू आर इन्वेस्टिंग इन टू योर लर्निंग। अब हमारी ये जिम्मेदारी हो जाती है कि हम आपको अच्छे तरीके से सर्विसेस
ट्रेनिंग सर्विसेज प्रोवाइड करें ताकि आप अपना स्किल्स अपग्रेड करें और अपने आप को ग्रो करें टू नेक्स्ट लेवल। अब आइए जानते हैं, तो यहाँ पे एक क्विक समरी दे देता हूं। तो ये देखें कि दोनों लेवल को बीआई कवर कर रहा है, एक तो ऑपरेशनल को कवर कर रहा है और साथ में टेक्निकल एंड स्ट्रेटेजिक लेवल को भी कवर कर रहा है। इट्स कवरिंग बोथ लेवल्स। अब आपको ये अंदाजा लगाना है कि अभी आप अपने करियर के कौन से स्टेज में, क्या आप अभी ऑपरेशनल स्टेज में हैं तो आपको ऑपरेशनल लेवल पे गाइड कर देगा, क्या आप अभी सीनियर लेवल पे हैं जिसमें आप स्ट्रेटेजी को डिस्कस करते हैं तो आपको स्ट्रेटेजी, दोनों लेवल पे बीआई आपको काम आएगा। अब सवाल ये पैदा हो जाता है कि कौन सा बीआई टूल। एक बात तो तय हो गई कि बीआई टूल विल डेफिनेटली हेल्प यू इन अपग्रेडिंग योर ऑर्गेनाइजेशन एंड हैविंग अ कंपेटिटिव एडवांटेज, क्योंकि मार्केट बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। अब हमें सिर्फ ये अंदाजा लगाना है कि कौन सा, तो इसमें बेतहाशा और टूल्स है, लेकिन आज हम पर्टिकुलरली फोकस करते हैं पावर बीआई एज अ टूल, कि पावर बीआई एज अ टूल क्यों बेनिफिशियल है फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर मी टू लर्न एज वेल, ताकि मैं अपने आप को अपग्रेड कर सकूं। तो सबसे पहले तो ये आपको हेल्प करता है इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, बिकॉज ये आपके सामने डेटा जब आ जाती है तो डेटा स्टोरी टेलिंग विल, डेटा विल स्पीक विद यू। डेटा अगर आप, अगर उस चीज को अगर एक करें कि डेटा तो आपसे खुद से बात करती है, लेकिन आपको वो एक टूल चाहिए जो आपको हेल्प करे उस स्टोरी टेलिंग में, तो दैट इज पावर बीआई व्हिच हेल्प्स यू इन एनालाइजिंग दैट डेटा। फिर इसके बाद आजकल का दौर जो है वो कंप्लीटली क्लाउड बेस्ड है और कंप्लीटली रिमोट है। आवाज नहीं आ रही? हेलो, हेलो, आवाज आ रही है? जी सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये था, लास्ट पेज पे एक वर्ड आपने यूज किया था, फोरकास्टिंग। जी जी। और इसी तरह एक टर्मिनोलॉजी और भी है फाइनेंशियल मॉडलिंग की, जिसमें भी हम फोरकास्टिंग कर रहे होते हैं। जी जी। क्या हम जो फाइनेंशियल मॉडलिंग है उसको एक्सेल से निकाल के किसी तरह पावर बीआई में भी ला सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। फाइनेंशियल मॉडलिंग को फिर हम, क्योंकि देखें पावर बीआई एज अ विजुअलाइजेशन टूल है, वो डेटा को विजुअलाइज करता है। आप उसमें फाइनेंशियल मॉडल दिखा दें, आप उसमें एचआर के मॉडल्स दिखा दें, आप उसमें सप्लाई चेन की इवैल्यूएशन कर लें, आप उसमें फाइनेंस टर्नओवर रेशियो जो भी आते हैं डिफरेंट उनको एनालाइज कर लें, तो बिल्कुल पावर बीआई उसको विजुअलाइज करके दिखा देगा फोरकास्टिंग को। लेकिन पावर बीआई डेटा को स्टोर नहीं करता, स्टोरिंग पॉइंट कोई और होता है, एक्सेल होगी या आपका ईआरपी होगा। पावर बीआई सिर्फ कनेक्ट करके डेटा को विजुअलाइज करता है, उसका काम ये है विजुअलाइजेशन। सर जो फाइनेंशियल मॉडलिंग है, मेरा थोड़ा प्रोफेशन फाइनेंस से है, मैं सीए फाइनलिस्ट हूँ। फाइनेंशियल मॉडल में हमारी अजम्पशंस होती हैं और पावर बीआई में डाटा होता है वो हमारे मुख्तलिफ ईआरपीज की डाटाबेस या व्हाट्सएवर बड़ी बड़ी डाटाबेसेस होती हैं, और फाइनेंशियल मॉडल में हमारी टोटल अजम्पशंस होती हैं। जहाँ पे मैं लैग करता हूँ फाइनेंशियल मॉडल के अंदर, एक्सेल के अंदर, वो होता है उसका डैशबोर्ड। तो डैशबोर्ड तो बड़ा बेहतरीन बन जाता है पावर बीआई के अंदर। तो मैं, मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये था कि उन्हीं अजम्पशंस को हम लेके, क्योंकि डाटा सेट तो हमारे पास बहुत बड़ा है नहीं, उन्हीं अजम्पशंस को कैरी ऑन करके हम फाइनेंशियल मॉडल रिपोर्ट बना के और साथ में डैशबोर्ड बनाना, क्या ये मुमकिन है? जी ये बिल्कुल मुमकिन है, और इसके ऊपर फिर फर्दर हम आपको आगे भी गाइड कर देंगे जब हमारे पास फर्दर चैप्टर प्रीव्यूज डिस्कस करेंगे, तो उसमें आप एक्चुअली देखेंगे, यू विल एक्चुअली विजुलाइज एंड सी कि किस तरीके से उसको जो है वो फिर हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी, ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। ऑलराइट, वेलकम। तो आज का दौर जो है वो है क्लाउड बेस्ड, आज का दौर है ऑनलाइन के बेसिस पे क्लाउड बेस्ड वर्किंग सारी हो रही होती है। तो वेदर यू आर इन दुबई, वेदर यू आर इन लाहौर, वेदर यू आर इन न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, वेर एवर, ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट कनेक्ट योर लैपटॉप विद इंटरनेट एंड कनेक्ट विद पावर बीआई वेबसाइट। तो आप पावर बीआई की वेबसाइट पे जाके डैशबोर्ड्स को एनालाइज कर सकते हैं और अपनी कंपनी से इंफॉर्मेशन शेयर भी कर सकते हैं। तो मतलब इसमें दो वर्जन आते हैं, एक है डेस्कटॉप बेस्ड और दूसरा है वेब बेस्ड। तो वेब बेस्ड वर्जन में बाउंड, देयर इज नो बाउंड्री, वेयर एवर यू आर यू कैन यूज एंड एनालाइज पावर बीआई, और उसके हिसाब से जो भी पावर बीआई की जो डेटा है वो आप अपने कॉलीग्स के साथ एंड टीम मेंबर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। इसके साथ साथ आज का दौर जो है वो मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया, स्टैंडर्ड रिपोर्ट जहां पे डिस्कस हो रहा है व्हाट हैपेंड पिछली साइड में। आज का जो बिजनेस ओनर है, आज का जो शेयर होल्डर है,
आज का जो सीईओ है वो रियल टाइम एनालिसिस डिमांड करते हैं, बिकॉज बिजनेस की डायनेमिक्स बहुत चेंज हो चुकी है। रियल टाइम पे एनालिसिस चाहिए कि भाई बिजनेस की क्या परफॉर्मेंस चल रही है, कितनी सेल्स इंक्रीज हो गई है, क्या टारगेट्स मीट हो रहे हैं नहीं हो रहे, कौन से हमारे परफॉर्मिंग एरियाज हैं, कौन से हमारे नॉन परफॉर्मिंग एरियाज हैं, तो वो रियल टाइम पे चाहिए। तो ये नहीं होता कि सर अब अगले दिन आइएगा या अगले हफ्ते आइएगा तो मैं एक हफ्ता मुझे रिपोर्ट बनाने में लगेगा। अब जो है ना वो पेशेंस लेवल इतना नहीं रहा एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट का, बिकॉज मैनेजमेंट लेवल शायद पावर बी आई बना नहीं सके, शायद उनको पावर बी आई बनाना ना भी आए, लेकिन उनको अवेयरनेस जरूर है कि ये रियल टाइम हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास जो टीम मेंबर्स हैं जो कि इस डेटा को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, उनका प्रेशर बिल्ड हो जाता है कि उनको पता है कि मैनेजमेंट ऑलरेडी नोज कि ये सारी चीजें रियल टाइम पे हो जाती हैं, तो अब आपको सीखना होगा कि कैसे रियल टाइम पे आप प्रोड्यूस करें एनालिसिस, बिकॉज मैनेजमेंट तो आपसे रिक्वेस्ट कर देगी कि मुझे अगले घंटे में रिपोर्ट भेज दो, राइट? और आप मैनेजमेंट को ये नहीं बोल सकते कि सर इसमें एक हफ्ता लगेगा कम से कम। बाजों का वो चीज शायद एक्सेप्ट हो भी जाए, लेकिन कहीं ना कहीं मैनेजमेंट सेंसिटाइज हुई भी है कि ये चीजें अब इतना टाइम नहीं लेती, सर्टेन फ्यू क्लिक्स में ये चीजें हो जाती हैं। तो हमें अपने आप को उस लेवल पे लेकर आना है ना, वरना देयर विल ऑलवेज बी अ रिप्लेसमेंट, कोई और होगा जो कि उस जगह पे रिप्लेस करके और उस जगह को ले लेगा। अच्छा, इसके साथ साथ हम डिस्कस करते हैं अबाउट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ बॉटलनेक। ये एक ऐसा एलिमेंट है जो कि यहाँ पे हमारे पास कितने ऑलरेडी ऐसे यूजर्स हैं जो कि ऑलरेडी पावर बीआई इस्तेमाल कर रहे हैं, लाइक देव हैड एन एक्सपीरियंस ऑफ पावर बीआई। कैन यू प्लीज रेज योर हैंड, कितने ऐसे यूजर्स हैं जो कि ऑलरेडी पावर बीआई से फेमिलियर हैं या यूज कर रहे हैं अभी, लेकिन अपने आप को अपग्रेड करना चाह रहे हैं? आप में से एनीवन? नो, थोड़ा बहुत यूज कर रही है। ओके जी, ओके, खिजर है जो यूज कर रहे हैं। ओके, एनीबडी एल्स who is familiar with Power BI or at least using it? अच्छा, तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे ही हैं जो कि अभी बेसिक से एडवांस लेवल तक हैं। इट्स फाइन, मैं बेसिकली आपको यहाँ पे बताना ये चाह रहा था कि जब हम डेटा एनालाइज कर रहे होते हैं तो हमारे पास एक रॉ डेटा आता है, किसी भी सिस्टम से हमारे पास एक रॉ डेटा आता है, उस रॉ डेटा को फिर हम एनालाइज कर लेते हैं, लेकिन वो रॉ डेटा में बाजू का कुछ ऐसे कॉलम्स होते हैं, कुछ ऐसे रोज होते हैं जो कि हमारे को उनकी नीड नहीं होती, लेकिन वो फिर भी स्पेस ले रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे कोई ऐसा एक कॉलम है जिसमें टाइम स्टैम्प आता है, आपकी एनालिसिस के लिए आपको टाइम स्टैम्प की जरूरत नहीं पड़ती, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, कोई ऐसा कॉलम होगा शायद, तो यहाँ पे पावर भी है उन कॉलम्स को और उन रोज को हाईलाइट करता है जो कि आपकी डेटा में स्टोर तो हो रहे हैं लेकिन वो आपकी एनालिसिस में यूज नहीं होते, वो ऑलरेडी हाईलाइट करके दे देता है। इससे फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि आपके पास स्टोरेज एफिशिएंसी आ जाती है। मिसाल के तौर पे जो फाइल अभी 15 MB की थी, उस 15 MB में 3 या 4 ऐसे कॉलम थे जो कि यूटिलाइज नहीं होते हैं आपके पास सिस्टम में, और वो ऐसी डेटा स्टोर हो रही है, तो वो 3 कॉलम्स को रेकमेंड करेगी, आपको बताएगी कि ये इतना ज्यादा यूज नहीं होते, डू यू वॉन्ट टू डिलीट दोस, Which means कि आप अगर उन 3 कॉलम्स को डिलीट कर देंगे जो कि आपके यूज के नहीं होते, फ्रिक्वेंटली बेसिस पे आपके बिहेवियर को AI बेस पे जज करेगी, तो आपकी वो फाइल 15 MB से 10 MB की हो सकती है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको। तो दैट मीन्स कि आपके पास एक एफिशिएंसी आ जाएगी सिस्टम में, वो कॉलम्स और रोज के डेटा जो आपके लिए नेसेसरी नहीं है वो उनको हटाने का आपको रेकमेंड करेगी, फिर इट्स अप टू यू कि आप उसको रिमूव करें या ना करें, बट दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द AI ड्रिवन function of Power BI, which normally Excel doesn't do. आप अगर MS Excel से comparison कर दें तो वो ये नहीं बताती आपको, लेकिन इसमें AI based में ये features रखे रहे। अच्छा, इसके साथ साथ helps identify waste in the system, ये वही point है जो कि obviously पहले मैं आपको एक cover करा चुका कि वो data जो कि आपका काम का usually नहीं है लेकिन फिर भी आ रहा होता है और आप उसको ignore भी कर देते हैं, तो वो यहाँ पे आप ignore क्या करें, उसको delete ही कर दें ताकि future में भी ना आए, तो वो चीज यहाँ पे आपको जो है वो हेल्प कर देता है पावर बीआई का। अच्छा, फिर हम डिस्कस करते हैं अबाउट पावर बीआई एज अ टूल, कि पावर बीआई एज अ टूल हाउ डज इट वर्क। सबसे पहले तो इट हेल्प्स यू टू कनेक्ट एंड ट्रांसफॉर्म
एंड एनालाइज मिलियन ऑफ डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज, विच मीन्स के आपके पास अगर ओरेकल का सिस्टम है, या आपके पास अगर SAP का सिस्टम है, या फिर आपके पास MS Excel में डेटा मेंटेन होता है, या फिर आपके पास कोई और ऐसा सॉफ्टवेयर है जहां पे आप डेटा को स्टोर कर रहे होते हैं यूज कर, तो पावर बी आई की कनेक्टिविटी हो जाएगी और फिर वो डेटा वहीं से पिक करके आपको एनालाइज करके दे देगा। तो पहले तो हमें वो चीज सीखनी होती है कि हाउ टू कनेक्ट पावर बी आई विद द सोर्स, ठीक है। उसके साथ साथ फिर हम कुछ इसमें फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस ऐड कर देते हैं जिसका जी बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली इसमें एक फंक्शन आता है जो कि मैं आपको आगे चल के कवर भी हो जाएगा, लेकिन मैं आपको हिंट दे देता हूं पावर क्वेरी। इसमें पावर क्वेरी अप्लाई होती है जो कि आपको जो है वो हेल्प करती है और गाइड करती है फर्दर, जिसमें आप मल्टीपल शीट्स में जो आपका डेटा हो, इवन मल्टीपल डिफरेंट एक्सेल शीट अलग अलग सोर्सेज से भी हो, तो वो पावर क्वेरी कनेक्ट करके आप एक डेटाबेस में लेकर आ सकते हैं और फिर आप जो है वो पावर बी आई एनालाइज कर सकते हैं। वो पूरा फंक्शन होता है जो अप्लाई होगा इसमें। जी जी बिल्कुल पावर क्वेरी कवर कराएंगे, बिल्कुल पावर क्वेरी कवर कराएंगे, ठीक है। तो ये जो है वो, और फिर हमारा बुनियादी मकसद क्या है, हमारा तो बुनियादी मकसद ही विजुअलाइज करना है डेटा का। ये सारी मेहनत किस काम पे हो रही है कि अल्टीमेटली हमारी विजुअलाइजेशन के एस्पेक्ट्स इंप्रूव हो सके, एनहांस हो सके हमारा विजुअलाइजेशन ऑफ द डेटा। तो दीज आर द थ्री स्टेप्स दैट वी फॉलो। फर्स्ट वी कनेक्ट विद द सोर्स, देन वी अप्लाई सम डेक्स कैलकुलेशंस। इसका एक और भी नाम आता है जो हम टेक्निकल लैंग्वेज में यूज करते हैं, ETL प्रोसेस, जिसमें हम एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म एंड लोड ETL का प्रोसेस अप्लाई करते हैं। वो कैंडिडेट्स जो कि इन टर्मिनोलॉजीज को थोड़ा थोड़ा नया समझ रहे हैं या उनके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं। वी आर देयर टू सपोर्ट यू एंड गाइड यू, और हम आपको इंशाल्लाह बेसिक से लेकर चलेंगे तो इंशाल्लाह ये सब चीजें कवर हो जाएंगी और आप जो है वो कॉन्फिडेंट यूजर हो जाएंगे पावर बी आई के। लेकिन ये टर्मिनोलॉजीज आपके साथ इंट्रोड्यूस कराना बहुत जरूरी है ताकि अगर आप इस प्रोफेशन में आगे बढ़ रहे हैं तो इन वर्ड्स की आपको पता हो, या इन टर्मिनोलॉजीज आपको पता होना चाहिए कि ETL क्या होता है, डेक्स क्या होता है, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म होनी चाहिए। अच्छा, फिर हम डिस्कस कर लेते हैं अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ पावर बी आई। वैसे तो बेतहाशा बेनिफिट्स हैं ऑफ पावर बी आई। एक तो ये है कि इट्स इजी टू यूज। व्हाई, बताएं क्यों पावर बी आई एज अ इजी टू यूज है। एनीबॉडी? ठीक है, वेरी गुड। और वेल डन, वेरी गुड जी, आप बताएं इजी टू यूज क्यों है पावर बी आई। गुड जी, हमारे पास यहाँ पे कुछ कमेंटिंग अगर आ जाए तो जी, हमारे पास जी, हमारी ऑनलाइन ऑडियंस, पावर बी आई इजी क्यों है यूज करने में, व्हाट डू यू थिंक जी, हमारी ऑनलाइन ऑडियंस। हेलो जी। जी जी सर, ये बेसिकली क्या कहते हैं, मोर यूजर फ्रेंडली है इसका इंटरफेस जो है, लाइक एक्सेल हो गया इस वजह से। बिल्कुल वंडरफुल जी, GSHA 1986 जी। सर, ये डेटा को एनालाइज अच्छा करता है ह्यूमन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। वंडरफुल, वेल डन, वेल डन, वेल अटेम्प्टेड, थैंक यू सो मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन। देखें ये जो हमारे जी जी बताएं, विजुलाइजेशन की वजह से ये ज्यादा इजी हो जाता है। किसकी वजह से हो जाता है? विजुलाइजेशन की वजह से। विजुलाइजेशन की वजह से हो जाता है। एक दफा कम से कम तालियां बजा दें, आपने इतने कंट्रीब्यूट किया, लेकिन तालियां तो बजा दें उनके लिए जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, राइट जी। मुझे ऑनलाइन ऑडियंस, हमारे को यहाँ पे क्लैपिंग कोई देखने में नहीं आ रही हमें, ये तो बहुत अफसोस की बात है। एटलीस्ट जिन्होंने जवाब दिया उनके लिए तालियां बजा दें, मेरी तरफ से भी ले लें एक दफा रिएक्शन। चले जी, वेल डन, वेल डन, एक दफा मैं रिएक्शन दे दूं यहाँ पे, यहाँ गया मैं और यहाँ पे मैंने क्लैपिंग कर दी। चले जी, वेल डन, मेरी तरफ से भी क्लैपिंग होगी वर्चुअल, ठीक है। अच्छा, तो देखें इसमें जो है हमारे एक यूजर हैं जिन्होंने ये कहा कि ये एक्सेल हम यूज कर रहे होते हैं और ये इसकी वजह से पावर बी आई। बेसिकली उनका मकसद क्या था? मकसद ये था कि बचपन से हम माइक्रोसॉफ्ट के यूजर हैं,
मतलब आंख खुली पैदा हुए तो माइक्रोसॉफ्ट नजर आ गई, ऐसा है। और अभी तो बहुत सारे ऐसे होंगे जिनसे मैंने बात नहीं की, लेकिन आज मेरे पास यहाँ पे ऑडियंस में इतने सारे होंगे जो सुबह को उठते हैं आंख खोल के एक्सेल पे एक शीट पे खोलते हैं, और जब ऑफ कर रहे होते हैं ऑफिस में से तो उस वक्त एक्सेल शीट के साथ ही ऑफ कर देते हैं कि कल फिर एक्सेल शीट खोलनी है। तो मतलब जिंदगी जो है वो एक्सेल पे ही रिवॉल्व कर रही होती है बहुत सारे यूजर्स की। मकसद क्या है कहने का कि वी गेट फेमिलियराइज विद दी माइक्रोसॉफ्ट एक्सपीरियंस। माइक्रोसॉफ्ट ने अपना जैसे एप्पल का है तो एप्पल का एक एप्पल का एप्पल ही यूज करेगा, मैकबुक यूज करेगा, वो उसको एंड्रॉइड नहीं सूट करती क्योंकि वो कहता है मेरा एक माइंड बना हुआ आईफोन पे, मिसाल के तौर पर, राइट। ये सुनने को काफी मिलता है कि मैं एंड्रॉइड की यूजर हूं, मुझे एंड्रॉइड आईफोन आई डोंट लाइक बिकॉज आई। मकसद कहने का ये है कि यहाँ पे हमारे पास डेटा विजुअलाइजेशन के और भी बहुत सारे टूल्स हैं, कंपनीज हैं, डिफरेंट और ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि टूल्स प्रोवाइड करती हैं, लेकिन पावर बी आई सबसे ज्यादा इजी टू यूज इसलिए है क्योंकि वो माइक्रोसॉफ्ट का ही प्रोडक्ट है और वो माइक्रोसॉफ्ट की फर्दर एमएस एक्सेल के बाद एक्सटेंशन है टूवर्ड्स माइक्रोसॉफ्ट पावर बी आई। तो हमने इसमें से ये सीखा कि वो जो यूजर इंटरफेस है वो थोड़ा बहुत चेंज है, ऐसे नहीं है कि बिल्कुल ही एमएस एक्सेल जैसा या माइक्रोसॉफ्ट, लेकिन फाइल कहाँ पे होगी, एडिट कहाँ पे होगा, या वो जो एक बेसिक सा एक लेआउट होता है वो अभी भी माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तरह ही चलता है या माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट्स की तरह चलता है। तो इसलिए जो है ना फेमिलियरिटी जो होती है माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट के साथ तो वो यूजर को बहुत ईजी लगती है, इसलिए इट्स ईजी टू यूज, इट्स वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। मंथली सब्सक्रिप्शन होती हैं $10 to $11 पर मंथ पर यूजर होता है, और इसके साथ साथ अगर आप फर्दर कस्टमाइज्ड सॉल्यूशन कोई लेना चाह रहे हैं जिसमें आपको थोड़ा बड़ी कंपनी है और बड़े लाइसेंस, तो फिर वो कस्टमाइज्ड पैकेजेस भी होते हैं पावर बीआई के, वो फिर ऑब्वियसली जब आप पावर बीआई की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पे आपको डिटेल पैकेजेस मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप अपनी प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट आपको यूजर पावर बीआई यूजर के लिए आपको एक अलाउ करती है प्रैक्टिस करने के लिए। बस ये होता है कि उस डेटा को आप शेयर नहीं कर सकते किसी के साथ, लेकिन आप अगर शेयर नहीं कर रहे और अपने पास ही प्रैक्टिस के लिए यूज कर रहे हैं तो आप पावर बीआई यूज कर सकते हैं। यू कैन डू योर प्रैक्टिस, जो कि हम इंशाल्लाह ताला इस ट्रेनिंग में आपको पावर बीआई की प्रैक्टिस कराएंगे और आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी देंगे पावर बीआई का इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में। फिर उसके बाद सिंपल कोलैबोरेशन है, यू एंड योर फ्रेंड कैन वर्क ऑन द सेम शीट, सेम पावर बीआई डेस्कटॉप एंड पावर बीआई वेब एप्लीकेशन एट द सेम टाइम। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे हमारे पास एक पार्टिसिपेंट है अब्दुल बासित, अब्दुल बासित एक पार्टिसिपेंट है और आप एक पार्टिसिपेंट का नाम है आपका इरफान, तो अब्दुल बासित हैं और यहाँ पे हमारे पास फिजिकल ऑडियंस में ऑन कैंपस इरफान बैठे हुए, तो इरफान और जो है इसके साथ साथ जो अब्दुल बासित है ये दोनों पावर बीआई के डेस्कटॉप पे सेम टाइम पे काम कर सकते हैं। मतलब ऐसे नहीं है कि आप पावर बीआई के डैशबोर्ड को ऑफ करें फिर मुझे शेयर करें फिर मैं काम कर रहा हूं, राइट। ये इसी तरीके से जैसे एमएस ऑफिस 365 चलती है या फिर गूगल शीट्स चलती है तो सेम टाइम पे आप काम कर रहे होते हैं, तो कोलैबोरेशन आप इजीली कर सकते हैं, डेटा एनालिसिस कर सकते हैं, रिपोर्ट रैपिड प्रोटोटाइपिंग, गुड कस्टम डिस्प्लेस, डेटा मॉडलिंग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारे ऐसे डिफरेंट बेनिफिट्स हैं जो कि आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है वंस यू अच्छा। अब हम ये तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि मैं आपको बता रहा हूँ कि पावर बीआई क्यों बेनिफिशियल है और क्यों पावर बीआई सीखना चाहिए और उसमें कैसे पावर बीआई वर्किंग होती है, लेकिन हमारे लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम देखें कि खुद पावर बीआई की ऑफिशियल वेबसाइट क्या बोलती है। हम पहले तो ये देखें ना कि सोर्स क्या बोल रही है। तो हम गए पावर बीआई की वेबसाइट पर, हमने पावर बीआई की सोर्स को स्टडी किया और हमने उसमें से ये एक्सेप्ट किया कि माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई को डिफाइन पावर बीआई खुद प्लेटफॉर्म कैसे करता है। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई बोलता है, सर आप भी पढ़ेंगे कि टाइम माइक्रोसॉफ्ट बिजनेस कवर रिजेस के प्रिंटिंग डेटा एंड डिजिटलाइजिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट ये है, पॉइंट नंबर 2 ब्रिजेस गैप बिटवीन डेटा तो है डिसीजन भी लेना है, लेकिन वो डेटा डिसीजन कैसे लेना है, बीच में डैशबोर्ड चाहिए तो फिर मैं उस डेटा पे डैशबोर्ड देखूंगा फिर डिसीजन ले लूंगा। तो ये वो जो डैशबोर्ड वाला जो गैप है वो ये पावर बीआई फुलफिल करती है।
बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अब हम देखते हैं कि हमारी जो पावर बीआई की जो मेन सोर्स वेबसाइट है वो क्या बोलती है इसके बारे में, तो आइए एक वीडियो देखते हैं. This is Donna. Kindly confirm online audience कि आपको आवाज आ रही है इस वीडियो की? Loud and clear. जी सर, आ रही है, आ रही है. Okay, great. Yes. ठीक है, मैं अभी आपको वीडियो फिर से प्ले कर रहा हूँ. I am playing the video now. And in this video, there is a case study कि ये Power BI कैसे एक entrepreneur को help करती है Power BI और कैसे business अपना benefit लेता है Power BI को use करने से. तो ये case study है जो कि खुद Microsoft Power BI ने खुद ने launch किया. This is Donna, CEO of a popular rideshare company. Her team is exploring bringing a new idea to market, Tailspin, a service that would drive people's pets to and from veterinary appointments. This is Malia, Donna's business intelligence manager. To understand the viability of their new venture, Malia will need to analyze data, a lot of it, and share it with Donna and her leadership team. Literally trillions of rows and rows about customers' recent trips to vet offices and which existing riders live more than half a mile from their veterinarian. She'll need to analyze a petabyte of data. Using Power BI, without needing to learn any new skills, Malia is able to use the data stored in Azure Synapse Analytics, where the trillions of data points are stored, and access raw, historical data about every trip. To help the analysis, Malia also needs to mash up the company's data with a public data source for pet ownership data. She seamlessly integrates it alongside her existing rideshare data, all in Power BI. Using big data capabilities in Power BI, Malia can connect to massive amounts of data, combine it with other sources, prep data with ease, and transform and organize massive amounts of data with Power Query at a fraction of the cost, time, and expertise previously required. She sets up a model to determine the average number of pets per household in any given postal code, and then easily transforms Power BI data into an interactive visualization and creates a beautiful report to share with Donna. Analyzing data from both the data warehouse and the external sources, Donna uncovers the insights needed to make the decision to proceed with Tailspin. Donna and her team are excited about the revenue potential of this service and get started on a launch plan right away. Quickly go from data to insight to action. Any data, any way, anywhere. Business intelligence like never before. Right. So the idea is ke ye Power BI ki ek solution hai jo ke entrepreneur ne to data chahiye tha. Unhone sirf aisa nahi hai ki unke paas data stored tha, but inhone Power BI ko website se bhi connect kiya, web based bhi data liya. So you can connect the Power BI with website data as well, and with the data that is available in your ERP, the data that is available in Excel, multiple sources se usko data ko merge karke ek jagah pe aap lekar aa gaye Power BI mein, aur wahan pe fir aapne analysis apna shuru kar diya. So that is how it starts saving the time and it helps you in getting an accurate analysis. Acha, ab hum discuss karte hain about the career paths, but isme jo most important word hai wo kya hai? एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, वंडरफुल, एक दफा जोरदार तालियां बजा दे, वेल डन, वेरी गुड, जोरदार भाई, कम ऑन, चलें जी, वेल डन जी. हमारी ऑनलाइन ऑडियंस, एक वर्ड इसमें जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है? हमारी ऑनलाइन ऑडियंस से भी तो जवाब आ जाए थोड़ा. जी अब्दुल्ला, करियर तो बिल्कुल है ही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन एक वर्ड है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरी स्लाइड में, वो क्या है? Emerging. Wonderful. एक दफा आपके लिए भी virtual clapping हो जाए तो फिर ज्यादा बेहतर है. जी virtual clapping कर लें आप प्लीज, एक दफा जवाब नहीं देते तो virtual clapping ही कर लें कम से कम. चलें जी, virtual clapping भी आना शुरू हो गया. Wonderful. That's it. So what we are trying to say here is कि हमें नहीं पता कि आगे 5 साल या 10 साल में क्या करियर पाथ आने वाला है. हमें ये पता है कि करियर पाथ कुछ इमर्ज कर रहा है, बढ़ रहा है, हमें नहीं पता, बट उस इमर्जेंस में क्या क्या ऐसी प्रेडिक्शंस हैं जो कि हमें वर्ल्ड इकोनॉमी. अस्सलाम वालेकुम सर. जी वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सर. सर इफ आई मे इंटरप्ट यू, बेसिकली सर एक
चीज जो मैंने नोट की है अभी तक वो ये है कि एक तो मैंने एमएस बिजनेस एनालिटिक्स किया हुआ है, मैं एमएस होल्डर हूँ इसमें इस फील्ड के अंदर, और पावर बी आई और टैब्लो में मुझे बिगनर लेवल नॉलेज है। मिस मैं आप काइंडली बस छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि मैं पूरा एक दफा डेमो करवा लूं या मतलब ओरिएंटेशन दे दूं, उसके लिए हम डेफिनेटली क्वेश्चंस के लिए पार्ट रखेंगे, वरना वो सर कंफ्यूजन, एक सर कंफ्यूजन पार्ट है मेरे लिए, मैंने सिर्फ आपसे वो डिस्कस करना है। जी जी, कंफ्यूजिंग पार्ट सर ये है कि आपने ये जो करियर पाथ्स हमारे साथ शेयर किए हैं इसमें आप अगर देखें तो इसमें ये सारे कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जॉब्स आ रही हैं, ऑल आर फॉर इंजीनियर्स बेसिकली, ठीक है। अगर आप मैं काफ़ी अर्से से इनकी जॉब्स भी लिंक्डइन वगैरह पर सर्च आउट कर रही हूँ तो ये सारे करियर पाथ जो हैं ये इंजीनियर से रिलेटेड हैं। तो काइंडली कैन यू हेल्प मी कि ये किस तरीके से हमें बिजनेस के अंदर हेल्प करते हैं या हम किस तरीके से हम किस डोमेन में जा सकते हैं, बिकॉज आपने जो स्लाइड शेयर की है ये सारी उससे रिलेटेड है सी एस स्टूडेंट्स के लिए, तो अगर आप वो शेयर कर दें तो वो बहुत बेहतर रहेगा। थैंक यू। थैंक यू मिस, थैंक यू, आपने एक अपना एक ऑब्जर्वेशन शेयर की। मैं अभी इस स्लाइड को पूरा कंप्लीट करने वाला था एक्चुअली, अगर मुझे मौका दिया जाता तो मैं बिल्कुल आपको इसमें गाइड कर देता, और मैं अभी भी गाइड कर देता हूँ बिल्कुल। देखें इसमें जो तो इसमें जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज, देखें ये वो रिसर्च है जो कि मैंने कोई अपनी नहीं बनाई, ना ही कोई मैंने कोई ऐसी लोकल रिसर्च, ये मैंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो कि ग्लोबल थिंक टैंक है उसकी रिसर्च आपसे शेयर की, जिसमें वो फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट को प्रेडिक्ट करता है कि फ्यूचर में क्या जॉब्स ऐसी आ सकती हैं। अच्छा, इस रिपोर्ट का किसी भी कोई कंप्यूटर साइंस या किसी भी कोई डेटा एनालिसिस या किसी भी कोई इंजीनियरिंग या किसी डाटा साइंटिस्ट या किसी एचआर ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल या फिर किसी इंजीनियर, किसी से कोई ताल्लुक ही नहीं है इस रिपोर्ट का। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताने लगा हूं मैं आपको कि इसका किसी पर्टिकुलर बैकग्राउंड से कोई ताल्लुक ही नहीं है। इस रिपोर्ट का ताल्लुक है कि वो एक ग्लोबल रिसर्च कर लेती है रिपोर्ट, और उस ग्लोबल रिसोर्स में जो उसके पास करियर पाथ्स आ रहे हैं चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड के हों, लेकिन ये रिपोर्ट कहती है कि ये करियर पाथ्स या ये वो रोल्स हैं जो कि इनकी जॉब डिमांड बढ़ रही है चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो। हमारी एनालिसिस बोल रही है स्टैंडर्ड ग्लोबल लेवल पे कि ये जॉब रोल्स आपके इंक्रीज हो जाएंगे। और इसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट मैं आपको हाईलाइट करूंगा डेटा एनालिसिस का। ये डेटा एनालिसिस की एक सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये डेटा एनालिसिस 3 पे नहीं है, 4 पे नहीं है, 5 पे नहीं है, नंबर 10 पे भी नहीं है। ये पूरी ग्लोबल स्टैंडर्ड में बोलता है रिपोर्ट, ये आप इसको गूगल भी कर लें, इस रिपोर्ट का नाम है फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2020, और अब तो 2022 भी खैर आ गई है, लेटेस्ट रिपोर्ट और भी आ गई है। तो उसमें जो है वो ये बोलता है कि डेटा एनालिसिस नंबर 1 पे है, और इसमें कितनी नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं जरा मुझे बताइए जोर से बोल के, कितनी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं? 97 मिलियन, और ये कोई पाकिस्तान का नहीं बता रहा, ये कोई सऊदी अरब का नहीं बता रहा, ना ही कोई ये यूरोप का बताता है, ना ही ये तो यूएस का बताता है, ये तो ग्लोबल थिंक टैंक है, ये कहता है कि ग्लोबली 97 मिलियन न्यू अपॉर्चुनिटीज हैं इन 10 डिफरेंट जॉब्स में, इन 10 जॉब्स। एग्रीड सर। जी जी सर, सुनिए प्लीज लिसन। एग्रीड, जो डेटा एनालिस्ट एंड साइंटिस्ट है ना बेसिकली वो सेम फील्ड है। अगर आपने डेटा डेटा साइंस में कुछ किया हुआ है ना तभी आप डेटा साइंटिस्ट या डेटा एनालिस्ट कर सकते हैं। मैं आपसे बिजनेस पर्सपेक्टिव से पूछ रही हूँ क्योंकि जो बिजनेसेस है ना अगर आप उन पे भी, मैंने क्योंकि इस पे बहुत वास्ट रिसर्च की हुई है इस वजह से मैं आपसे पूछ रही हूँ कि हम बिजनेसेस में किस तरीके से अप्लाई करें और किस तरीके से अपने एम्प्लॉयर को यकीन दिलाएं कि यार हम भी अच्छे तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं जो एक डेटा साइंटिस्ट करता है। बेसिकली डेटा साइंटिस्ट जो होता है उसका काम होता है हमें क्लीन करके डेटा देना, ठीक है, एनालिसिस तो हमने करना है। बट अब क्या हो रहा है कि डेटा एनालिस्ट जो है ना एनालिसिस भी करके दे रहा है, जो डेटा साइंटिस्ट है वो क्लीनिंग का काम भी तो कर देता है उसके बाद वो एनालिसिस का काम भी करने लग गया है, तो इससे जो बिजनेस एनालिस्ट है उसकी डिमांड कम हो रही है। इस वजह से मैं आपसे पूछ रही हूँ कि इसमें हमारे लिए कौन सा करियर पाथ है। देखें आपका बिल्कुल वैलिड पॉइंट है, लेकिन हर ऑर्गेनाइजेशन वेरी करती है फ्रॉम इट्स ओन रिक्वायरमेंट्स और इट्स ओन नीड्स। मे बी आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो शायद इस पर्टिकुलर एंगल से सोच रही होगी कि वो चीज रिप्लेस हो रही है, लेकिन यहाँ पे बेतहाशा हमारे पास
रेप्यूटेबल ऑर्गेनाइजेशंस के प्रोफेशनल्स हैं जो कि आ रहे होते हैं और यहाँ पे उनकी जो मैनेजमेंट है वो उनसे रिक्वायर करती है कि हमें एनालाइज करके दें डेटा के भाई टर्नओवर रेशो कितना है या हमारे पास कंप्लेंट्स का रेशो कितना है और कितना रिजॉल्व हो गया या अगर कोई पेट्रोलियम का बिजनेस है तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कितनी कम है कितनी ज्यादा है या इस तरीके के डिफरेंट मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट आ रही होती है और उसमें जो है वो डेटा एनालाइज हो रहा होता है और उस एनालिसिस में एक एनालिस्ट चाहिए होता है जो कि पावर बीआई पे एनालाइज कर लेता है। नाउ दिस मे नॉट बी स्पेसिफिकली अप्लाइड इनटू योर ऑर्गेनाइजेशन। देखें हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी अपनी एक डिमांड है अपनी अपनी एक रिक्वायरमेंट्स है तो हम तो यहाँ पे जनरल बात करते हैं। मे बी आपके ऑर्गेनाइजेशन का कुछ स्ट्रक्चर जो होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा और वो बिल्कुल सही होगा लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम ऐसे एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हैं जहाँ पे डिफरेंट बैंक्स और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से आ रहे होते हैं और ये तो हमारा बैच नंबर 24th है जो हम लॉन्च करें तो 23 बैचेस हम इस तरीके से 400 to 500 प्रोफेशनल है जो कि ऑलरेडी पावर बी एनालिस्ट निकल के माशाल्लाह जॉब्स कर रहे हैं तो वो सब अपनी जगहों पे ये कोर्स कंप्लीट करते हैं डेटा एनालिस्ट बन के अपनी जगहों पे जो है वो आगे जॉब करते हैं और वहाँ पे कंपनीज को बेनिफिट भी देते हैं। तो ये मैं इस तरीके से आपको जवाब दे सकता हूँ कि ये एक जनरल फॉरम है जहाँ पे हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी टीम होती है और मेजॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन डेटा एनालिस्ट को लेकर आती है तो उसमें पावर बीआई एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल हो जाता है जो उनको काफी ज्यादा हेल्प करता है आगे बढ़ने में। थैंक यू। अच्छा दिस इज अली जी। सर मेरा ना इसी स्लाइड के ऊपर एक क्वेश्चन है। बेसिकली आई एम वर्किंग इन आईटी इंडस्ट्री, ठीक है, तो मेरी फाइनेंस की फील्ड है उसमें। तो बेसिकली अभी मैं मिस की बात से भी एग्री करूंगा जिन्होंने अभी ये स्लाइड के ऊपर जो आपने टॉप्स पर प्रॉब्लम दी थी उसके ऊपर जी, तो इसमें बेसिकली ये जो जितने भी आईटी कंपनी में लोग जॉब वगैरह करते हैं ये बेसिकली उनकी डेजिग्नेशन है बाकी ऑटोमेशन एनीवेयर बाकी वो पीछे आपने जो नाम वगैरह मेंशन किए हुए थे तो ये बेसिकली बिलोंग करती हैं सारी जॉब्स जो जिनका प्योर बैकग्राउंड बी एस सी एस कंप्यूटर साइंस में है। जी जी ठीक है। बेसिकली हमें वो चीज़ चाहिए जिस तरह की हम बिजनेस के बंदे हैं तो हम इसको बी आई को अपनी बिजनेस फील्ड में किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल, तो इसमें देखें यही मैं आपको यहाँ पे अर्ज करना चाह रहा हूँ कि जो है वो पावर बी आई एक इतनी अच्छी एप्लीकेशन है और आपको देखें अभी बुनियादी हमारा फोकस जो है वो पावर बी आई एज अ टूल पे है कि भाई पावर बी आई आपको कैसे हेल्प करेगा। तो यहाँ पे आपको ये बताना चलूँ कि पावर बी आई एक ऐसा टूल है जो कि एंड यूजर ड्रिवन है। अब एंड यूजर ड्रिवन का क्या मकसद है कि उसमें आपको आईटी की नॉलेज इतनी ज्यादा नहीं चाहिए, आपको एक बुनियादी एक आईटी की नॉलेज जो एक्सपेक्ट की जाती है। जैसे आप एमएस एक्सेल का यूजर है तो उसमें बुनियादी फाइल कहाँ पे क्लिक होता है, सेल क्या होता है, रो क्या होता है, इतना तो आपको बेसिक पता होना चाहिए, आईटी लिटरेसी होनी चाहिए, उसके बाद वो यूजर एंड ड्रिवन है। तो इसी तरीके से पावर बीआई भी यूजर एंड ड्रिवन है। इसके लिए आपको कोडिंग नहीं सीखनी पड़ती या कोई इतने ज्यादा हाईएस्ट कमांड नहीं सीखने पड़ते जिसकी वजह से आपको कंप्यूटर साइंस का कोई कोर्स करना पड़ जाए और फिर आप पावर बीआई कर सकते हैं। वो कंप्यूटर साइंस का कोर्स आपको डेफिनेटली हेल्प जरूर करेगा और लेकिन पावर बीआई बाय डिफॉल्ट एक ऐसी एप्लीकेशन बनाई गई है जो कि नॉन कंप्यूटर साइंटिस्ट वाला भी कोर्स कर सकता है बिकॉज इसमें जो फॉर्मूलाज होते हैं फंक्शन होते हैं और जो ड्रैग एंड ड्रॉप पे जो रिपोर्ट बन जाती है वो आप एक दफा सीख लेते हैं बेसिक टू एडवांस लेवल तो आप पावर बीआई यूज कर लेते हैं बिल्कुल इजीली। तो इसमें जो है वो कोई ऐसा कंप्यूटर साइंस की पर्टिकुलर कोई नॉलेज या कोई ऐसा बैकग्राउंड या ये कोर्स पर्टिकुलरली उनको ही फोकस कर रहा हो जो कि कंप्यूटर साइंस के हो तो ऐसा कुछ ऐसा है नहीं। हाँ कुछ फॉर्मूलाज हैं कुछ फंक्शंस हैं डेक्स की कुछ कमांड्स हैं जो कि ऑब्वियसली सीखनी पड़ती है वो तो कोई भी एचआर का प्रोफेशनल होगा या फाइनेंस होगा। एक्सेल में सम का फॉर्मूला तो हर किसी को आना चाहिए। अब उसका एचआर और फाइनेंस से थोड़ी को कोई ताल्लुक है, वो तो एक एक्सेल का यूज है उसमें फॉर्मूला उसको लगाना पड़ता है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक्सेल का वो कोडिंग भी सीखनी पड़ेगी जिसकी वजह से वो सम का फॉर्मूला चल रहा है, वो नहीं सीखनी पड़ेगी। हाँ फॉर्मूलाज कुछ होंगे जो सिखाए जाएंगे वो आप सीख लेंगे तो उसके बाद आप जो है वो इसी यही तो बुनियाद है ट्रेनिंग का, यही तो मकसद है ट्रेनिंग का कि आपको वो फॉर्मूलाज और फंक्शन सिखाए जाएं जो कि आप फिर पावर बीआई में नॉन कंप्यूटर साइंटिस्ट बैकग्राउंड रखते हुए भी आप अप्लाई कर लें और आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को भी फायदा दें अपनी एनालिसिस में और आप अपना भी करियर ग्रो करें, दोनों चीजों का विन विन सिचुएशन कर लें। तो यहाँ पे हम फर्दर डिस्कस कर लेते हैं फैसिलिटेटर्स की प्रोफाइल का। मेरा नाम फरहान शाहिद काजी है एंड आई एम एन ACCA मेंबर होल्डिंग BSc अप्लाइड अकाउंटिंग डिग्री फ्रॉम ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी एंड आई एम आल्सो द ATD एसोसिएशन ऑफ टैलेंट डेवलपमेंट ATD वेरीफाइड ट्रेन द ट्रेनर फ्रॉम USA सर्टिफिकेशन ली हुई हमने और इसके साथ साथ जो है आई एम आल्सो द स्किल डेवलपमेंट सेंट्रल स्टैंडिंग कमेटी कन्वीनर एट FPCCI
and I'm also the founder and chief executive officer here at UXL. और इसके साथ साथ ऑब्वियसली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है अब्रॉड एक्सपीरियंस दैट आई हैव हैड ऑफ ओवर अ डिकेड वर्किंग इन लंदन एंड इन दुबई. तो काफी ज्यादा इंटरनेशनल एक्सपोजर है जिसमें मल्टीपल नेशनैलिटीज के साथ काम किया, और उसी इंटरनेशनल एक्सपोजर को यहाँ पे मैं पाकिस्तान में भी ट्रांसलेट करना चाहता हूँ ताकि हमारी ट्रेनिंग भी उसी मयार पे हों जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है. विद दैट वी हैव अ लीड इफेक्टिव ट्रेनर ताहिर अली साहब जो कि इस ट्रेनिंग को लीड करेंगे. ताहिर अली साहब इज अ माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर and most importantly he has got a 16 years plus experience that he translates into the training jo participant hain usko jo bhi unko jo practical issues aa rahe hote hain data analysis mein ya fir power bi mein to wo practical sense mein aapko help karte hain aur guide karte hain. aur sabse zyada important cheez hoti hai ki trainer ka khud ka confidence ki usne khud ne industry mein kaam kiya hua ho. jab trainer khud industry mein kaam karta hai aur 16 years plus uska experience hota hai तो वो ऑब्वियसली आपको उस तरीके से गाइड कर सकेगा कि आपके जो इश्यूज हैं जो कंपनीज में आ रहे हैं आपको वाइल इंप्लीमेंटिंग पावर बी वो हल हो सके. तो दैट इज द प्रोफाइल ऑफ द लीड इफेक्टिव ट्रेनर ऑफ पावर बी आई ताहिर अली साहब. अब हम यहाँ पे यूएक्सएल के प्लेटफॉर्म के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. इट्स अ फिनटेक ट्रेनिंग फॉर्म एंड कंसल्टेंसी एंड द प्रोग्राम दैट वी आर ऑफरिंग यू हियर इन पावर बी आई इज एंडोर्स्ड विद आईएफए यूके इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटेंट यूके. ये वाहिद प्रोग्राम है जो कि आपको पावर बी आई की सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है और विच इज सर्टिफाइड बाय आईएफए यूके. तो आपको आईएफए यूके पावर बी आई स्पेशलिस्ट बन सकते हैं वंस यू कंप्लीट दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम. इसके साथ साथ हम रजिस्टर्ड विद गवर्नमेंट अथॉरिटीज और हम जो एफिलिएटेड हैं विद स्टील डेवलपमेंट काउंसिल कराची एंड एफपीसीसी एंड केसीसीआई कराची चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के मेंबर हैं. अच्छा अब जो है वो ये कुछ फर्दर ये हमारी कुछ फर्दर ट्रेनिंग पार्टनरशिप्स हैं जो कि गवर्नमेंट के साथ हुई हुई हैं नेफटेक के साथ, और ये हमारे कुछ पोर्टफोलियो, ये हमारे आईटी लैब्स हैं इंस्टीट्यूट है जहां पे आप अभी ट्रेनिंग भी हासिल कर रहे हैं अपनी, और हम यहां पे ऑन कैंपस भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं और ऑनलाइन भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं. अच्छा इसके साथ साथ ये हमारी जो है वो कुछ कॉर्पोरेट की ट्रेनिंग्स हैं जो कि हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं एट डिफरेंट कॉर्पोरेट कंपनीज. और अब जो है हम फर्दर डिस्कस कर लेते हैं अबाउट द आउटलाइन कि इस आउटलाइन में क्या क्या कवर होगा. अच्छा सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ये बताते चलें कि इस ट्रेनिंग को हमने सर आपकी स्क्रीन जाना नहीं आ रही है. अच्छा स्क्रीन विजिबल नहीं है, मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूं. Is the screen visible now? Yes. Okay. तो ये हमारी कुछ different training की जो है partnership होती है with the government because we provide the trainings at the government training platform. उसके में official training partner भी हैं of NAFTEC National Vocational Technical Training Commission Government of Pakistan. और इसके साथ साथ हमारी ये IT labs हैं जहाँ पे हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं पावर बी आई की. और इसके साथ साथ ये हमारी कुछ और पिक्चर्स हैं जैसे कि आज आप बैठे हुए हैं इसी तरीके से, और भी पावर बी आई की पिछली बैचेस थी उसकी पिक्चर्स हैं कुछ आपसे शेयर कर रहे हैं यहाँ पे. और ये हमारी अभी रिसेंटली एक कॉर्पोरेट ट्रेनिंग हुई थी KPMG पाकिस्तान में, और वहाँ पे हमने पार्टनर लेवल पे ट्रेनिंग प्रोवाइड की थी पावर बी आई की. तो हम कॉर्पोरेट में भी काफी ज्यादा ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं, डिफरेंट कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और अब हमारी माशाल्लाह काफी अच्छी कॉर्पोरेट की बेस हो गई है जिसमें हमारे पास कुछ फर्दर ये जो क्लाइंट्स हैं जो हमारे ऐड हुए हैं जो जहां पे हम जाके कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन इन हाउस. अच्छा ये अब डिस्कस कर लेते हैं द मोस्ट अवेटेड पार्ट विच इज के सर कोर्स आउटलाइन क्या होगी, हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा. तो दिस इज द टाइम व्हेन वी विल बी डिस्कसिंग विद यू अबाउट द कोर्स आउटलाइन. बुनियादी तौर पर इस कोर्स आउटलाइन को दो लेवल्स में ब्रेक डाउन किया गया है. लेवल वन है विच इज बेसिक टू इंटरमीडिएट, और लेवल टू है जो कि एडवांस लेवल है. ठीक है, तो इसको जो है वो फर्दर हम पूरे 8 मॉड्यूल्स हैं जिसमें हम इसको 3 मंथ्स की ये ट्रेनिंग पूरी कंप्लीट करेंगे, और इस आउटलाइन के बारे में फर्दर आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे हमारे लीड इफेक्टिव ट्रेनर ताहिर अली साहब जो कि आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करेंगे कि इन ट्रेनिंग्स में क्या क्या कवर होगा चैप्टर्स में,
और इसमें आपको विजुअली हर चैप्टर का प्रीव्यू भी प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आप एक्चुअली देख सकें कि क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपके क्लियर होंगे. विद दैट आई वुड रियली लाइक टू नाउ वेलकम ताहिर अली साहब विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज. कम ऑन ऑडियंस, सी ऑनलाइन ऑडियंस, हमें तालियां, वर्चुअल तालियां बजा दें कम से कम. एक ही दिखने वाली है, सिर्फ दो, कम से कम पांच छह तो होनी तो सारी चले. ठीक है, दैट्स ग्रेट. विद दैट नाउ आई वुड रियली लाइक टू वेलकम ताहिर टू कंटिन्यू फर्दर. थैंक यू. थैंक यू फरहान साहब, अस्सलाम वालेकुम. अच्छा जी, ये आपके सामने जो स्क्रीन है इस पे ये आठ जो हमारे मॉड्यूल हैं जो हम तीन महीने में कवर करते हैं, उसमें हम स्टार्ट जो लेते हैं वो बिल्कुल, यानी हमारी अजम्पशन ये होती है कि अगर आपने BI टूल्स कभी यूज़ नहीं किए तो हमारी कोशिश होती है कि जी जो पहला सेशन होता है हमारा वो एक रिफ्रेशर सेशन होता है जिसमें जो पावर BI इस वक्त अवेलेबल है मार्केट में वो दो तरह से अवेलेबल है आपको. एक जो है वो BI फॉर एक्सेल, यानी एक्सेल के एड ऑन के तौर पे टूल्स अवेलेबल हैं. BI टूल जो तीन टूल्स का सेट है बेसिकली, पावर पिवट, पावर क्वेरी और पावर व्यू एक्सेल की. तो उसके लिए जो एक वाहिद प्रीरिक्विजिट है अपार्ट फ्रॉम के आप कम अज कम इंटरमीडिएट लेवल के एक्सेल यूजर हों, ठीक है ना, जो बेसिक चीज़ें हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं कि जो एक्सेल कभी इस्तेमाल नहीं करी आपने, ऐसा ना हो, लेकिन ये कि इतना हो कि आपने पहले जो है वो इंटरमीडिएट लेवल बेसिक फॉर्मूलाज आते हों आपको, बेसिक चीज़ें चलानी आती, तो उस वो एक एडिशनल बेनिफिट है. लेकिन उसमें जो एक वाहिद प्रीरिक्विजिट है वो आपका पिवट टेबल. पावर पिवट एक्सेल के लिए यूज़ करने के लिए आपके पास जो एक प्रीरिक्विजिट है, ओनली प्रीरिक्विजिट, वो है पिवट टेबल. तो पिवट टेबल हमारा जो पहला सेशन होता है उसमें हम डिटेल के अंदर बिल्कुल स्क्रैच से पिवट टेबल कवर करते हैं, यदि बनाने से लेकर उसमें एडवांस रिपोर्टिंग और एक छोटा सा डैशबोर्ड आप किस तरह पिवट टेबल यूज करते हुए बना सकते हैं वो हम पहले सेशन के अंदर कवर करते हैं, ठीक है, ताकि जिसने इस्तेमाल किया हुआ, जिसने नहीं किया हुआ इस्तेमाल, सब एक पेज के ऊपर आ जाए. उसके बाद फिर जो सेकेंड सेशन होता है हमारा, उसके अंदर फिर हम आ जाते हैं BI फॉर एक्सेल. जी ये माहीन जी, आप क्वेश्चन है मुझे एक्सप्लेन कर लेने एक दफा, फिर उसके बाद इंशाल्लाह क्यों ना रखेंगे. सर बस मुझे आपकी आवाज बहुत लो हो गई है, सो दैट्स व्हाई आई वाज जस्ट ऑन. अच्छा अच्छा ठीक है, अब बेहतर है, अब बेहतर है आवाज? जी लिटिल बेटर. ठीक है ठीक है, थैंक यू. अच्छा, तो सेकंड सेशन होता है हमारा, उससे फिर हम BI के कॉन्सेप्ट्स के बारे में, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं BI के, ठीक है ना, और वो क्या है कि आप डेटा मॉडल किस तरह से बनाते हैं, किस तरह आप मल्टीपल टेबल्स जो हैं वो इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज और फिर उनको आपस में किस तरीके से आप कंबाइन करते हैं, रिलेट करते हैं एक दूसरे के साथ ताकि हम उसका एक मॉडल बना सकें, एंड देन फिर हम फर्दर मूव करते हैं उससे कि जो है, यानी जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उसके अंदर, एक कि आप मॉडल किस तरह से बनाते हैं, मॉडल्स की टाइप कौन सी होती हैं, जो स्कीमाज हैं, जो अरेंजमेंट है टेबल्स का वो कौन से होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम बेसिक जो हैं वो डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं. अच्छा, तो वो डिटेल के अंदर हम डिस्कस करते हैं और अच्छा, तो वो जो है बेसिक जो कॉन्सेप्ट है BI के वो हम मॉडल में स्टार्ट करते हैं, मॉडल बनाने से लेकर फिर उससे हम जो पावर, यानी उससे फिर हम जब पिवट क्रिएट करते हैं, पावर पिवट यानी मॉडल बनाने के बाद, और फिर उससे रिपोर्ट डिफरेंट टाइप की जो है वो किस तरह से बनाई जाती है, कितनी टाइप्स की कैलकुलेशन होती हैं, जो लैंग्वेज है पावर पिवट की विच इज कॉल्ड DAX, डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन, वो क्या होते हैं, वो उसमें किस कितने टाइप्स के फॉर्मूलाज होते हैं और वो फिर हम एनालिसिस के लिए किस तरह से इस्तेमाल करते हैं. अभी जैसे कुछ पार्टिसिपेंट्स का हमारे ऑनलाइन में क्वेश्चन किया था कि हम ये स्पेसिफिक डेटा साइंटिस्ट का काम है या BS की अगर आपके पास डिग्री है तो ही आप ये कर सकते हैं, ऐसा नहीं है. माइक्रोसॉफ्ट का अपना क्लेम है पावर BI के बारे में कि ये उन्होंने डिजाइन ही बिजनेस यूजर के लिए किया है. बिजनेस यूजर कौन होता है? जो नॉन IT बंदा होता है, ठीक है ना, जिसकी कोई IT का फॉर्मल बैकग्राउंड नहीं है, एजुकेशन नहीं है, वो बिजनेस यूजर. एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक IT डिपार्टमेंट होता है, एक बिजनेस यूजर होता है जिसमें मैं, यानी वो किसी भी डिपार्टमेंट से बिलोंग कर सकता है, ठीक है ना. तो ये डिजाइन ही उसके लिए किया गया, इसीलिए इसकी जो USP है वो क्या है कि ईज ऑफ यूज है. यानी इसके कंटेम्पररी और भी टूल्स एग्जिस्ट करते हैं, टेबलो है, क्लिक है और दूसरे हैं टूल्स मार्केट में, BI टूल्स एग्जिस्ट करते हैं, उनमें सबसे जो है वो
यूनिक जो इसकी प्रॉपर्टी है वो क्या है कि इस पर ट्रांजिशन आसान है यूजर के लिए। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट के यूजर हैं, ऑफिस के यूजर हैं, एक्सेल यूज करते हैं, तो आपके लिए इस टूल पे ट्रांजिशन आसान है क्योंकि इसका जो यूजर इंटरफेस है, इसकी जो वर्किंग है वो उससे मिलती जुलती है, बकिया टूल्स की नहीं है। टैबलो पे आएंगे, टैबलो एक बिल्कुल ही अलग तरह की वर्किंग है, उसके ऊपर एप्लीकेशन है। लेकिन अगर आप एक्सेल के यूजर हैं तो बड़े आराम से आप स्विच कर सकते हैं। लैंग्वेज भी इसकी ऐसी कोई नहीं है लैंग्वेज जो है डेक्स, नाम सुन के लगता है कि बड़ी भारी लैंग्वेज होगी, लेकिन नॉर्मल फॉर्मूला में जब आप अगर आप एक्सेल में फॉर्मूलाज लगाते हैं तो यहाँ पे भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। और बल्कि आईटी जो है वो एज अ सपोर्ट टीम के तौर पे काम करता है कि जी उनसे हमने डेटा ले लिया, कनेक्ट कर लिया डेटाबेस के साथ और फिर एनालिसिस कर रहे हैं इसके ऊपर, सही है ना। तो और नेचुरली और उस स्किल में जो है वो आईटी वाला नहीं आपको पकड़ सकता, सही ना। अगर आप मैं मिसाल के तौर पर फाइनेंस के बंदे हैं, आप एचआर के हैं, आप जो है सप्लाई चेन से हैं, आप तो आप जो अपने डेटा पे एनालिसिस बना सकते हैं वो आईटी वाला नहीं बना सकते, ठीक है ना। तो यही माइक्रोसॉफ्ट का क्लेम है कि ये बिजनेस यूजर के लिए है, इस्तेमाल के लिए एप्लीकेशन, आईटी वाला सपोर्ट के तौर पर आपसे काम करेगा और आपको डेटा जो आप क्वेरी करेंगे वो आपको बना के देगा, एनालिसिस आप बनाएंगे, डैशबोर्ड आप डिजाइन करेंगे और प्रेजेंट भी आप ही करेंगे। आईटी वाला ये सारे काम नहीं कर सकते, किसी सूरत नहीं कर सकता, ज़ाहिर आप अपने डोमेन के एक्सपर्ट हैं। तो ठीक है, तो हमने जो है वो ये बीआई और एक्सेल के अंदर बीआई और फिर पिवट टेबल्स और फिर उससे एनालिसिस में पीछे फॉर्मूलाज लिख, जो अगर आप में से कितने जिन्होंने पिवट टेबल यूज किया हुआ है, पहले सबने किया हुआ तकरीबन, तो जो पिवट है पावर पिवट उससे आगे की चीज है ना। पिवट के अंदर आप नॉर्मली जो है वो अब शायद आपको पता हो या ना पता हो कि आप फॉर्मूलाज लगा सकते हैं, पिवट के अंदर भी फॉर्मूलाज लगा सकते हैं लेकिन एक लिमिट तक लगा सकते हैं, बट पावर पिवट के अंदर अनलिमिटेड आपके पास अपॉर्चुनिटी, आप डिफरेंट तरह के एनालिसिस, डिफरेंट तरह के जो है वो इनसाइट्स निकाल सकते हैं डेटा से बाय राइटिंग फॉर्मूलाज और फिर उनको अपने पिवट के अंदर यूज कर सकते हैं, उससे आप प्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं, चार्ट्स एंड ग्राफ्स भी बना सकते हैं और सिंपल एनालिसिस जो पिवट का होता है, रिपोर्ट्स होती हैं वो भी बना सकते हैं। फॉर्मूलाज डेक्स जो लैंग्वेज है, पूरी लैंग्वेज है पावर पिवट की, डेक्स जो कहलाती है, उसमें आप डिफरेंट फॉर्मूला देते हैं, डिफरेंट तरह के एनालिसिस, डिफरेंट इनसाइट डेटा से कैसे पुल करनी है फॉर्मूला लगा के, वो आप फॉर्मूला लगाते हैं और उसका रिजल्ट जो है वो शो करते हैं आप एक्सेल की हद तक पिवट की शक्ल, ठीक है ना। जैसे मिसाल के तौर पे कि जी आपका आपने करंट ईयर की सेल बहुत पॉपुलर एनालिसिस है कि जी करंट वर्सेस लास्ट ईयर, ठीक है ना। तो अब वो लास्ट ईयर फॉर्मूला लगा के आप निकाल सकते हैं और फिर दोनों का कंपैरिजन दिखा सकते हैं उसके लिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हम जो है वो ऑलमोस्ट हमारे जो शुरू के दो से तीन सेशन होते हैं वो हमारे ये मॉड्यूल टू के ऊपर होते हैं, ठीक है, जिसमें हम बी आई फॉर एक्सेल कवर करते हैं। उसी में फिर हम पावर क्वेरी भी देखते हैं, पावर क्वेरी में डेटा को किस तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, वो डेटा आपका अगर उस शेप में नहीं है जो पिवट के लिए रिक्वायर्ड फॉर्मेट है तो कैसे आप डेटा जो है वो उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और फिर उसको फिर अपने एनालिसिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। प्लस जैसे अभी बात करिए कि मल्टीपल जगह पर डेटा आपका स्कैटर्ड है तो आप वहाँ से मल्टीपल फाइल्स को कनेक्ट करके कैसे अपने मॉडल में ला सकते हैं और फिर एनालाइज कर सकते हैं। इवन के आपके पास फोल्डर में एक डेटा पड़ा हुआ है और आप उस फोल्डर को कनेक्ट करते हैं और वो सारी फाइलें उठा के एक जगह कंबाइन होती हैं उसके अंदर आप, और फिर अगली बार जब डेटा अपडेट होता है तो आप बाहर से फाइल उठा के फोल्डर में पेस्ट करते हैं और आपकी रिपोर्ट अपडेट हो जाती है, ये पावर क्वेरी के थ्रू। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इसमें पावर क्वेरी के अंदर कवर करते हैं। एंड देन बल्कि मैं मॉड्यूल प्रीव्यूज भी आपको साथ साथ दिखाता रहता हूँ ताकि आपको आइडिया मिले। ये जैसे पहला मॉड्यूल है और इसके अंदर जो है ये एक डैशबोर्ड बना हुआ है जो इंटायरली पिवट टेबल यूज करते हुए बना, कोई फॉर्मूला एक्सटर्नल नहीं लगा हुआ, कुछ नहीं लगा हुआ, सिंपल पिवट टेबल्स यूज करते हुए डैशबोर्ड डिजाइन किया गया, ठीक है। तो जो हमारा पहला मॉड्यूल होता है उसमें हम कोशिश करते हैं कि ये या इससे मिलती जुलती कोई डैशबोर्ड हम बना सकें, ठीक है। तो फिर भी तरह ये जो हमारा सेकंड मॉड्यूल है इसके अंदर ही हमारा तकरीबन दो क्लास तक का ये जो डैशबोर्ड बना हुआ है ये पावर पिवट में बना हुआ है। तो मैंने आपको कहा ना कि जी करंट ईयर और लास्ट ईयर का कंपैरिजन, ये हमने डेक्स लिखा और डेक्स लिखने के बाद जो है वो डेक्स लिखने के बाद हम इसका कंपैरिजन यहाँ पे डैशबोर्ड पे लिखा, ठीक है। लास्ट ईयर सेल हमने फॉर्मूला लिखा और अब उसमें यहाँ से प्रेजेंट करना दोनों, और ये डायनामिक है, ऊपर हमने स्लाइसर लगाया हुआ ईयर का, ईयर वाइज जो है ये हमारा पूरा डैशबोर्ड अपडेट हो रहा है। तो ये पावर पिवट का डैशबोर्ड, ठीक है ना। इसी तरह ये पावर क्वेरी की ट्रांसफॉर्मेशन है, फिर जी डेटा मिसाल बड़ी कॉमन एग्जांपल है कि जी इस तरह से डेटा रखा जाता है
आपने जस्ट सिंगल या दो क्लिक्स के ऊपर जो है वो डेटा ट्रांसफॉर्म किया और ये आपका ट्रांसफॉर्म होकर डेटा आ गया। अब आप इसके ऊपर बना सकते हैं पिवट टेबल। ठीक है जी, तो ये जो है वो ये पावर क्वेरी है और फिर हम आ जाते हैं अपना जो मॉड्यूल 3 है। ये जो सारा मॉड्यूल 2 तक का जो है तकरीबन तीन से चार सेशंस लगते हैं इसके अंदर, तो हम ये कवर कर लेते हैं और फिर हम मूव करते हैं जो इसका दूसरा पार्ट हमें अवेलेबल है यानी पावर बी आई डेस्कटॉप की शक्ल में। ठीक है, ये तो एक्सेल का था, बी आई फॉर एक्सेल, एक्सेल की हद तक एक्सेल में यानी इसका जो आउटपुट आएगा वो एक्सेल के अंदर ही आएगा। ठीक है ना, आप बैकेंड के ऊपर काम पावर पिवट में करेंगे, पावर क्वेरी में करेंगे, जो आउटपुट होगा वो एक्सेल के ऊपर ही आएगा। जो भी डैशबोर्ड बनाएंगे, जो भी रिपोर्ट बनाएंगे वो एक्सेल के अंदर होंगे। ये जो टूल है पावर बी आई डेस्कटॉप, ये इंडिपेंडेंट टूल है, स्टैंड अलोन टूल है, इसका एक्सेल से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर एम एस ऑफिस इंस्टॉल्ड है भी आपके, इसमें नहीं भी है, डजंट मैटर, ये स्टैंड अलोन एप्लीकेशन है। और सबसे बड़ी बात और सबसे अच्छी बात यह है कि ये अब तक फ्री है, एंटायरली फ्री। एंटायरली फ्री का मतलब क्या है कि इसमें कोई पैसे देने की जरूरत नहीं आपको, आप जाएं डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें, यूज करें इसको। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट पैसे कब मांगता है, क्योंकि ये अगेन ये अलग से सेट है टूल्स का, एक इसके अंदर पावर बी आई डेस्कटॉप है, एक है माइक्रोसॉफ्ट की पावर बी आई सर्विस, ठीक है, जो क्लाउड बेस्ड सर्विस है। तो जब आप यहाँ पर डेटा अपना कनेक्ट करते हैं, मॉडल बनाते हैं, उसके अंदर फिर आप रिपोर्ट्स बनाते हैं, मेजर्स लिखते हैं, डेटा ट्रांसफॉर्म करते हैं, फाइनल रिपोर्ट डैशबोर्ड बना के जब आपको शेयर करना होता है तो फिर आप इसको पब्लिश करते हैं टू पावर बी आई सर्विस। ठीक है, और वहां से फिर आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इस रिपोर्ट को अपनी। तो वहां जब आप शेयर करने जाते हैं तब वो आपसे कहते हैं कि जी आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, कम से कम आपके पास प्रो लाइसेंस होना चाहिए, जो भी फ्रांस ने बताया कि $10 से $11 है पर यूजर पर मंथ, तो वो आपके पास भी होना चाहिए और जो व्यूअर है उसके पास भी होना चाहिए, कम से कम प्रो लाइसेंस होना चाहिए उसके पास। हाँ बताऊंगा मैं। और अच्छी बात जो है उसके अंदर, इसमें भी अच्छी बात यह है कि जब आप साइन अप करते हैं फर्स्ट टाइम सर्विस के ऊपर तो आपको माइक्रोसॉफ्ट 60 डेज का फुली फंक्शनल ट्रायल देता है, 60 डेज, यानी आप बगैर कोई पैसा खर्च किए 60 डेज तक सारी सर्विसेज की यूज कर सकते हैं। फिर आपको समझ में आए, आपको लगे कि जी वर्थ है तो यूज करना चाहिए, तो फिर लाइसेंस ले लें आप उसके अंदर। ठीक है ना, लेकिन 60 डेज, लेकिन उसके लिए बस एक शर्त है साइन अप करने के लिए कि आपके पास जो है वो ईमेल आईडी जो है वो यानी वर्क बेस्ड ईमेल आईडी होनी चाहिए, डोमेन बेस्ड जैसे हम कहते हैं, यानी फ्री ईमेल आईडी नहीं यूज कर सकते आप, जीमेल, हॉटमेल, याहू की नहीं यूज कर सकते, बल्कि एट द रेट के बाद आपका जो वर्क ईमेल यानी जो डोमेन होता है, जैसे मैं यूएक्सएल में हूँ तो tahir@uxl.com, ये वाला ईमेल आईडी आप यूज कर सकते हैं फॉर साइनिंग अप। ठीक है ना, फ्री एक्सेप्ट नहीं करते जीमेल। वो उस सूरत में भेजने से मुराद ये कि आप ये वाली फाइल भी शेयर कर सकते हैं, डेस्कटॉप की फाइल, जिस तरह एक्सेल की फाइल भेजते हैं ऐसी ये वाली फाइल भी भेज सकते हैं। जो इसका सजेस्टेड तरीका है शेयर करने का वो है सर्विस, वैसे तो यदि आप सर्विस पब्लिश करें और फिर जहाँ पे शेयर करें तो वो जहाँ दिल चाहे वो दुनिया के अंदर वो देख सकता है, क्योंकि वो ब्राउजर बेस्ड होती है, ब्राउजर में खुलेगी, ब्राउजर में व्यू करें, या मोबाइल ऐप है, मोबाइल ऐप पे देख सकते हैं। आप ये डेस्कटॉप की फाइल भी भेज सकते हैं, वो अपने डेस्कटॉप पे उसके पास स्टोर्ड होगा, वो अपने पास खोल ले, लेकिन उसमें प्राइवेसी कोई नहीं होती डेटा की। ठीक है ना, पूरा डेटा उठ के पास उसके पास भी चला जाएगा, बस ये है। तो अगर ये रिस्क आप बेयर कर सकते हैं तो कर लें शेयर। तो बहुत अच्छा है, वो मैं आखिर में एड्रेस करूंगा इस सवाल को। जी ये MRB रैंडम, ये कौन है भाई? ये जी राशिद नाम है मेरा। मैं इसमें एलैबोरेट करना चाह रहा था कि जैसे अभी भाई ने सवाल किया कि फाइल भेजनी होती है, अगर एक्सेल यूजर्स हैं, जैसे हम लोग ऑफिस में अपने पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा डेटा बेसिकली ऑनलाइन नहीं होता, वेब ब्राउजर से कनेक्टेड नहीं होता, तो हम तो इस तरह से कर सकते हैं कि अपने मैनेजर्स को भेज दें, लेकिन सर्विसेस वहां पर हमें ज़्यादा यूज उसका होगा जब हमारा डेटा भी ऑनलाइन अवेलेबल हो, जैसे मार्केटिंग का डेटा होता है या हमारी सेलिंग वेबसाइट है जैसे दराज है, तो उस वक्त ज़्यादा यूजफुल है वो सर्विसेस। ये कॉन्सेप्ट नहीं है इसके पीछे, कॉन्सेप्ट ये है आपका डेटा ऑनलाइन अवेलेबल हो या ना हो, ये है सिक्योर्ड उनकी सर्विस है माइक्रोसॉफ्ट की,
ये क्या होता है कि आप अपनी रिपोर्ट पब्लिश करते हैं टू माइक्रोसॉफ्ट सर्विस जो कि एक सिक्योर कनेक्शन है, उस पर आप पब्लिश करते हैं और फिर वहां से शेयर करवाते हैं दूसरों के साथ, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपनी रिपोर्ट, ठीक है ना। इसका इससे ताल्लुक नहीं है कि आपका डेटा ऑनलाइन है या नहीं है, आपका डेटा ऑफलाइन ही डेटा आप जब शेयर कराने जाएंगे तो इसका सजेस्टेड तरीका है शेयर कराने का वो ये है कि सर्विस में आप अपलोड करेंगे इसको अपनी रिपोर्ट को और फिर वहां से शेयर कराएंगे, तो जो व्यूअर है वो इसको इसका जो व्यू है वो वेब बेस्ड का कोई एप्लीकेशन होना जरूरी नहीं है, लेकिन और वो जो व्यू वो जो रिपोर्ट देखेगा ऑनलाइन वो सिर्फ रिपोर्ट होगी, पीछे डेटा नहीं उसको अवेलेबल होगा, सही ना। वो सिर्फ आपका डैशबोर्ड देख सकता है, उसको इंटरेक्ट कर सकता है, उसमें फिल्टर लगा सकता है, ये सब कर सकता है, लेकिन बैकएंड पे जो डेटा है उसके उसको वो छेड़छाड़ नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप ये अपनी डेस्कटॉप की फाइल एक्सेल की फाइल शेयर होती है ऐसी भेज सकते हैं बिल्कुल, और वो अपने पास देख भी सकता है उसको, लेकिन उसके पास पूरा डेटा भी पीछे खुला होगा, वो आप नहीं उसके ऊपर लॉक लगा सकते, ठीक है ना। तो भाई ये इसके अपने वो है, नहीं तो रिलायबिलिटी तो कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी ना डेटा की, रिलायबिलिटी रिपोर्ट की तो कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी बिल्कुल यकीनन। लेकिन अगर जैसे आप होते हैं ना कि आप अपने डिस्ट्रीब्यूट कर रहे रिपोर्ट बना के, तो आप ये ऐसा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन वाइज डेटा है और आपने एक सेगमेंट के लिए रिपोर्ट बनाई और वो उसको भेजी, तो पीछे का जो डेटा है ना वो कहीं आप छुपा नहीं सकते, वो अगर देखना चाहे तो वो देख भी सकता है यूजर जो है इसका, ये है इसके अंदर डेस्कटॉप से शेयर करना है उसमें। तो बहरहाल तो आउटसाइड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी फ्री है, जिसके पास डेस्कटॉप इंस्टॉल्ड है आप डेस्कटॉप की फाइल उसको भेजें उसके पास भी खुल जाएगी, बस आसान, उसमें कोई पेमेंट की जरूरत नहीं। लेकिन उसमें बस ये डिसएडवांटेज है कि पूरा डेटा उसके पास भी दिखेगा उसको, वो नहीं कर सकता छेड़छाड़, कुछ नहीं कर सकता उसका, ये व्यू ओनली होता है, छेड़छाड़ होगी वो पीछे सोर्स के अंदर ही होगी। हाँ, जिस फाइल से आप कनेक्ट कर रहे हैं इसके अंदर अपना कोई डेटा नहीं होता, आप हमेशा एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट करके डेटा यहाँ लेकर आएंगे जो कि व्यू ओनली मोड में होगा, तो आप यहाँ एडिट नहीं कर सकते मुझे, लेकिन व्यू कर सकते हैं डेफिनेटली, ठीक है जी। तो ये यहाँ पर हम पावर बी डेस्कटॉप पे पहले कवर करते हैं, डेस्कटॉप जो एप्लीकेशन है और उसमें किस तरह आप मल्टीपल सोर्सेज से डेटा को कनेक्ट करके ला सकते हैं यहाँ पे, और फिर उनको अगेन जो नॉलेज हम पहले दो मॉड्यूल में सीखते हैं एज इट इज कैरी फॉरवर्ड होती है, यहाँ पे ऐसी कोई नई नॉलेज दोबारा से नहीं सीखनी पड़ेगी हमें, जो हमने डैक्स लिखना सीखा है, जो हमने पावर क्वेरीज की चीज़ें सीखी हैं वो यहाँ डेस्कटॉप में भी एज इट इज एप्लीकेबल होंगी, ठीक है। नए सिरे से सीखने की जरूरत नहीं, हम उस पर ही बिल्ड करेंगे फर्दर अपनी नॉलेज। तो ये है, ये इसका छोटा सा एक एग्जांपल है, ये डैशबोर्ड जो बना हुआ है ये पावर बीआई डेस्कटॉप की स्क्रीन है आपके सामने, इसमें बना हुआ है ये जो है डैशबोर्ड आपका, अगेन इंटरैक्टिव है ये पूरा, और ये एक्सेल से बहुत मुख्तलिफ है क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है आपको ट्रांजिट करने में फ्रॉम एक्सेल टू पावर बीआई वो इसका यूजर इंटरफेस है, थोड़ा सा मेरा बिल्कुल एक्सेल जैसा नहीं है, लेकिन आपके लिए लर्निंग बहुत आसान है, दूसरे जो इसके टूल्स हैं कंटेम्प्रेरी उसके मुकाबले में इस पर लर्निंग बड़ी आसान है, और फिर जब आप इसके फीचर देखेंगे जो एक्सेल से कहीं ज़्यादा हैं तो फिर खुद ही आप कन्विंस हो जाते हैं इसको सीखने पे। तो ये है इसके अंदर, ठीक है, ये है, ये एक फाइनेंस का डैशबोर्ड है, ये पावर बी आई पे बना हुआ है और डिफरेंट KPIs हैं आपके पास जो आप देख रहे हैं, एंड अगेन इंटरेक्टिव है ये, ये AI फीचर है इसका जिसमें आपके ये स्मार्ट समरी ये ऑटो जनरेट करता है आपके लिए, यानी आपके डैशबोर्ड की कमेंट्री जो है जो कि डायनामिक है तो ये ऑटो जनरेट करता है, ये मैंने लिखी नहीं है, जो ऊपर टॉप राइट कॉर्नर पे आप देख रहे हैं ये ऑटो जनरेटेड है और डायनामिक है, जैसे जैसे मैं फिल्टर चेंज करता रहता हूँ इसके जो चार्ट्स हैं वो देमसेल्व्स एक्ट करते हैं एज अ फिल्टर, क्योंकि एक्सेल में आपको ये फीचर अवेलेबल नहीं है, ये ऊपर KPIs हैं आपके पास यहाँ पे, ठीक है ना, एक मैप की शक्ल में मैप अवेलेबल है, टेबुलर फॉर्म में डेटा अवेलेबल है, तो बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है इसका, एक्सेल एक्सेल जैसी कोई चीज़ नहीं है, तो आप देखेंगे आहिस्ते आहिस्ते इसको तो आप कहेंगे यार एक्सेल बेकार है मेरे लिए। तो ये है, ये एक और डैशबोर्ड है, सेल्स का डैशबोर्ड है, अगेन ये इंटरेक्टिव है, विजुअल आप इमेजेस लगा सकते हैं इसके अंदर, अगेन ये समरी है, ये AI बेस्ड समरी है, ये KPI कार्ड्स हैं जो KPI डिस्प्ले कर रहे हैं आपको, ठीक है ना, ये आपके KPIs हैं जो समरी इन्फॉर्मेशन, और ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने पीछे डैक्स लिख के यहाँ प्रेजेंट कर ली, ठीक है ना, पीछे हमने मेजर्स लगाए हैं जो मेजर्स कहलाते हैं, फॉर्मूलाज कहलाते हैं आपके, फिर ये इस तरह से ये आप एक ऐप जैसा एक्सपीरियंस जो है वो आप इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है, और अगेन आप देख रहे हैं कि ये डिफरेंट
डैशबोर्ड से डिफरेंट टाइप के डेटा पे, कहीं फाइनेंस का है, कहीं पे जो है वो एचआर का है, बीएसई एचआर का है, सेल्स एंड मार्केटिंग का है। तो असल में इस कोर्स का जो पर्पस है वो क्या है कि हम टूल सीख रहे हैं, हम डोमेन बेस्ड नॉलेज नहीं दे रहे आपको यहाँ पे, जाहिर है वो आप उसके अंदर खुद एक्सपर्ट हैं। कोई फाइनेंस का हो सकता है, कोई सेल्स एंड मार्केटिंग से हो सकता है, कोई सप्लाई चेन का हो सकता है, कोई एचआर का हो सकता है। तो जो नॉलेज उसके अपने डोमेन की उसमें तो वो खुद एक्सपर्ट है, उसको पता है कि मैंने क्या एनालिसिस करना है, कैसे करना है, टूल इस्तेमाल करते हुए वो हम यहाँ इस कोर्स में सिखाते हैं आपको, ठीक है ना। अब जाहिर है उसके अंदर हम दो तीन एग्जाम्पल ही यूज कर सकते हैं, लेकिन आइडिया आपको मिल जाएगा कि भाई अगर मुझे एनालिसिस करना है तो मैं किस तरह से कर सकता हूँ, फॉर्मूला मैंने लिखना है तो कैसे लिख सकता हूँ, पीछे क्या चीज़ चल रही है, वो सारी चीज़ें आप इसमें सीख जाते हैं। और फिर अपने डोमेन के ऊपर आप अप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पे देखें, ये आस्क ए क्वेश्चन, ठीक है ना, क्यू एन ए फीचर है, अगेन ये ए आई बेस्ड फीचर है। आपने नेचुरल लैंग्वेज क्वेरी जिसे हम कहते हैं, यदि नेचुरल इंग्लिश के अंदर जो है आप सवाल करें अपने डेटा के मुतालिक, और वो आपको यहाँ पे नीचे ये बना के दे देगा इसका विजन, ये देखेंगे मैं टोटल सिक डेज बाय डिपार्टमेंट, इसने मुझे टोटल निकाल के दे दिया। मैंने इंग्लिश के अंदर क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे प्लेन इंग्लिश के अंदर, और मुझे विजुअल बना के दे दिया उसने डिपार्टमेंट वाइज सिक लीव, ठीक है। तो ये एआई फीचर है इसके अंदर, जो एक्सेल में अगेन आपको नहीं अवेलेबल, एक्सेल वाले वर्जन के अंदर यहाँ पर आपको अवेलेबल है। तो ये आप जो है वो इस तरह के फीचर जो है वो यूज कर सकते हैं, वो देखेंगे। नहीं अब इतना भी अच्छा नहीं है, थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी। ऑल दो के अभी जो माइक्रोसॉफ्ट ने, आपने चैट जीपीटी का नाम सुना होगा, बहुत चल रहा है मार्केट के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट ने एक्वायर कर लिया उसको और अपनी एप्लीकेशन के अंदर एम्बेड करना शुरू कर दिया। जो ऑफिस 365 है उसके अंदर उन्होंने को पायलट के नाम से उसको ऐड किया है, और वो इस तरह के काम कर रहा है, वो इस तरह के काम मार्जिन निकाल के नहीं दे रहा, मार्जिन हमने कैलकुलेट किए हैं, फॉर्मूले लिखे हैं पीछे, उसका रिजल्ट हम यहाँ डिस्प्ले करा रहे हैं इस शक्ल के अंदर। मतलब रिपोर्ट आपको खुद मैन्युअली बनानी पड़ेगी सर, फिर उसके बाद इसको आप बोलेंगे आप उसमें से देखेगा वो, जैसे ये एक फीचर है इसमें मैंने लिखा भाई ये कैलकुलेट कर दो तो वो करके देगा। आप इस तरह पूरा डैशबोर्ड भी बना सकते हैं, एक 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 करके इस तरह से पूरा ही बना सकते हैं। एंटायरिटी में आप उसको बोलेंगे ये डैशबोर्ड बना दो, वो नहीं करता। लेकिन अब मई 2023 के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ने एक बहुत कूल फीचर ऐड किया है जो माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक के नाम से है, फैब्रिक, और उसी के अंडर में को पायलट आ जाता है आपका, ठीक है। तो वो को पायलट क्या कर रहा है कि वो जैसे मेजर आप अभी खुद लिखते हैं, यानी फॉर्मूला आप खुद लिखते हैं, अब वो क्या कर रहा है कि आप लिखें कि मुझे क्या चाहिए, जैसे टोटल सेल्स बाय डिपार्टमेंट इन 2006 ये आपने लिखा, तो वो आपको इसका फॉर्मूला बना के दे देगा, फॉर्मूला लिख के दे देगा डेक्स का, ठीक है ना। लेकिन अगेन ये पेड फीचर है, यहाँ मैं पैसे मांगता हूँ आपसे, तो लेकिन यह है कि यहाँ तक आ गया है मामला, और अभी एक वो प्रीव्यू के अंदर है कोपायलट का फीचर, अगर वो कोपायलट का आ जाता है तो वो कोपायलट आपको पूरा पूरा डैशबोर्ड भी बना के दे रहा है। आप लिख के बता दें क्या क्या चाहिए, क्या क्या चाहिए, टेक्स्ट के अंदर लिख दें, वो आपको पूरा डैशबोर्ड डिजाइन करके देंगे। लेकिन अभी वो प्रीव्यू के अंदर है, कुछ लोगों के पास है वो प्रीव्यू अवेलेबल, जब वो बाकायदा लॉन्च होगा कुछ महीने में हो जाएगा लॉन्च, तो फिर वो गेम अलग ही हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ये कि एक है डैशबोर्ड आपके पास, ये अगेन ये स्मार्ट समरी यहाँ लिखी हुई है, ये आप इस तरह से स्विच कर सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि एक ही जगह पे विजुअल है और आप उसी के अंदर रहते हुए जो है वो, जैसे यहाँ पे राइट पे देखें आप, ये टेबल फॉर्म में डेटा है ना, लेकिन आप इसको यहीं पर रहते हुए मैप के अंदर भी दिखा सकते हैं इसके अंदर, ये देखो ये क्लिक किया आपने यहीं पर ही है इसका इमेज चेंज होगी। इस तरह की बहुत सारी टेक्निक्स हैं डैशबोर्ड बनाते हुए जो हम देखेंगे, फ्रंट एंड पे भी देखेंगे, बैक एंड के ऊपर भी देखेंगे, मेजर कैसे लिखते हैं, और फिर आगे चल के जो हमारा इसमें एडवांस जो आखिरी मंथ होगा हमारा थर्ड मंथ, उसके अंदर जो होगा वो हम देखेंगे पावर क्वेरी की भी अपनी लैंग्वेज है। एक तो ये ना कि आप ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं जस्ट क्लिक करके कर रहे हैं, एक इसके पीछे भी इसकी लैंग्वेज है, एम लैंग्वेज कहलाती है, ठीक है ना। तो जब वो एडवांस वाला हमारा यानी वो स्टार्ट होगा पार्ट, उसमें हम एम लैंग्वेज में यानी क्वेरी जो है जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको किस तरह कोड में कैसे लिखते हैं, उसका कोड कैसे लिखते हैं वो हम उसके अंदर देखेंगे इंशाल्लाह, वो देखेंगे। एडवांस डैक्स जो एडवांस कैलकुलेशन है मेजर्स के अंदर वो किस तरह लिखी जाती है वो उसके अंदर हम देखेंगे इंशाल्लाह। ये कुछ पावर क्वेरी के एग्जाम्पल्स हैं, ये जैसे एक कोड एडिटर है पीछे, तो पावर क्वेरी का कोड एडिटर है, इसके अंदर हम किस तरह से हाथ से कोड लिख सकते हैं। एक तो ये है कि जब हम स्टेप्स परफॉर्म कर रहे हैं
और वो रिकॉर्ड कर रहा होता है, जैसे मैक्रो रिकॉर्ड हो रहा होता है एक्सेल के अंदर। लेकिन इस वाले में हम ये देखेंगे कि कस्टम कोड हम कैसे लिख सकते हैं डेटा को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, वो हम देखेंगे इंशाल्लाह। फंक्शंस क्या होते हैं, पैरामीटर्स क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें क्वेरी में देखेंगे हम इंशाल्लाह। एडवांस मॉडलिंग है, इसमें डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं। और ये जो इसकी जो पावर बी आई डेस्कटॉप की अपडेट है वो माइक्रोसॉफ्ट हर महीने रिलीज करता है अपडेट, और उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें ऐड होती जा रही होती हैं, उसमें फॉर्मूलाज भी ऐड हो रहे होते हैं, उसमें और फीचर्स भी ऐड हो रहे होते हैं। अभी रिसेंटली बड़े फीचर्स जो है माइक्रोसॉफ्ट ने ऐड किए हैं पावर बी आई के अंदर, तो उनका उनका भी अपडेट हम इंशाल्लाह देखेंगे इसमें। हाँ मैं वही कह रहा हूँ कि उसका एक ओवरव्यू भी हम इसमें ऐड कर लेंगे, क्योंकि ये इतनी रैपिडली चेंज हो रहा है जो ये है इसकी फीचर्स हैं, तो वो हम फिर ये करते हैं कि पोस्ट आउटलाइन में शायद ना हो लेकिन जो है वो हम उसका ओवरव्यू जरूर दे देते हैं। तो जैसे मैंने बताया आपको, ये अपना फैब्रिक और को पायलट है, ये हम इंशाल्लाह इसको उसमें कवर करेंगे। ठीक है ना, ये जैसे ये है कि लॉस्ट कस्टमर निकालने हैं आपको, लास्ट पीरियड में कितनी सेल्स थी, डायनेमिकली अगर आप देखना चाह रहे हैं पास्ट थ्री मंथ्स में न्यू कस्टमर कितने थे और लॉस्ट कस्टमर्स कितने थे, ये एनालिसिस अगर आपने करना है और डायनेमिक करना है, मंथ्स आप हाथ से चेंज करते जाओ। ये है परसेंटेज ऑफ ग्रांट, ये सब दिखने में तो वैसी एनालिसिस है लेकिन पीछे इसके टेक्निकल फार्मूलाज किस तरह से आप चलाते हैं, उनकी टेक्निकलिटी क्या है, वो सारी चीज़ें जो यहाँ पे। और फिर इसके अंदर जो एआई के फीचर्स हैं, जिसमें आपका स्मार्ट नैरेटिव है, क्यू एन ए विजुअल है, क्यू एन ए को जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि आप प्लेन इंग्लिश के अंदर लिख रहे हैं और वो आपको विजुअल बना के दे रहा है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन, उसको सैम्पल क्वेश्चन देना, उसको ट्रेन कराना, ठीक है ना, वो किस तरह से करते हैं, वो सारा हम इसके अंदर इंशाल्लाह देखेंगे। और इसके अलावा एक चीज़ और है, वो इस प्रेजेंटेशन में सरसरी तौर पर मेंशन है कि हम जो कनेक्शन करेंगे, एक तो ये है कि जी इस तरह के एक्सेल हो गया, एक्सेस हो गया, सी एस सी फाइल होगी वो भी, और एक डेमो हम ये भी देखेंगे कि किस तरह आप किसी सॉफ्टवेयर से, किसी डेटाबेस से किस तरह डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं। हम अपने केस में एसक्यूएल सर्वर के साथ करेंगे लेकिन सेम टेक्निक जो है वो बाकी सॉफ्टवेयर के लिए भी इस्तेमाल होती है, किसी के पास ओरेकल चल रहा हो, किसी के पास सैप चल रहा हो, किसी के पास एसक्यूएल सर्वर माई एसक्यूएल चल रहा हो, या और कोई जितने भी पॉपुलर डेटाबेसेस हैं, तो मोर और लेस प्रोसेस सेम ही होता है उसका। तो हम डेमो के अंदर जो एसक्यूएल सर्वर को देख लेंगे, एसक्यूएल सर्वर से कैसे कनेक्ट करते हैं, और थोड़ी बहुत एसक्यूएल की क्वेरीज भी इंशाल्लाह हम देख लेंगे, बेसिक क्वेरीज, डिटेल के अंदर जाके नहीं, लेकिन बेसिक क्वेरीज के लिए किस तरह फिर डेटा पुल करते हैं, कस्टमाइज डेटा कैसे पुल करते हैं आप डेटा से और अपने डायरेक्ट पावर बी आई के अंदर लेकर आते हैं और फिर उस पर एनालिसिस करते हैं, तो वो भी इंशाल्लाह हम देखेंगे। ये हो जाता है हमारा कवर, हमारा एक्सपीरियंस ये रहा है कि हो जाता है कवर। थोड़ा सा ये होता है कि देखिए हमारी पेस जाहिर है, इतना सारा क्रॉस कंटेंट है तो पेस हमारी थोड़ी सी तेज होती है, लेकिन हम कोशिश पूरी करते हैं। और फिर दूसरा ये कि जो यूज़र के लिए, आप लोगों के लिए एक बेनिफिट है, वो क्या है कि जी हमारा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, अभी फरहान साहब भी आपको बताएंगे क्लोजिंग नोट के अंदर, तो जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है उसका एक्सेस आप लोगों को पहले दिन से मिल जाता है, जो आप एनरोल करते हैं इसके अंदर तो एक्सेस मिल जाता है। तो उस पर क्या होता है कि जो क्लास की रिकॉर्डिंग्स हैं वो, जैसे आज संडे को क्लास हुई आपकी, तो मंडे मैक्सिमम मंडे इवनिंग तक जो है वो रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाती है, जिसका एक्सेस आपके पास होता है, वो होता है सॉल्ट फाइल है हमारी जो हम क्लास में परफॉर्म करते हैं, वो उसके साथ अपलोड हो जाती है, तो वो एक रेफरेंस के तौर पे होता है, पूरा हफ्ता होता है आपके पास, आप उसमें देखें। फिर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना होता है, उसमें सारे लोग इंक्लूड होते हैं, मैं खुद होता हूँ उसके अंदर, फरहान साहब होते हैं, तो उसमें कोई क्वेश्चन, कोई चीज़ समझ नहीं आई आप उसके अंदर पोस्ट कर सकते हैं, प्रैक्टिस में कोई चीज़ समझ में नहीं आई वो कर सकते हैं, असाइनमेंट्स होते हैं हमारे, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो इसकी वजह से आप कैचअप कर सकते हैं आराम से, ठीक है ना। तो ये हो जाते हैं हमारा अलहम्दुलिल्लाह। और इसी तरह फिर पावर बी आई सर्विस जो है उसका एक powerbi.com है, तो उसका सर आपकी वॉइस ब्रेक हो, अच्छा तो ये हम इसने जो पावर बी सर्विस है हमारी powerbi.com के ऊपर, जो पावर फैब्रिक है, किसी
एक्सक्यूज मी सर, ये नौमान साहब को प्लीज म्यूट कर दें। ठीक है, तो वो उसमें हम देखें किस तरह शेयर करते हैं वहाँ पे, और उससे उसके अपने फीचर हैं वो देखेंगे इंशाल्लाह उसके अंदर। एंड देन फाइनली हमारा जो आखिरी मॉड्यूल है वो है पाइथन की इंटीग्रेशन। ठीक है, अच्छा पाइथन बहुत वास्ट लैंग्वेज है, आप खेल में होगी कि जो उसमें आपके पास बहुत सारी इसकी ब्रांचेज हैं और बहुत जो है वो आजकल AI का जहाँ नाम होता है पाइथन आता है पीछे, तो पाइथन में बहुत सारे काम हो रहे हैं, तो हम वो सारी चीज़ें नहीं देखेंगे यहाँ पे। ये जस्ट एन इंट्रोडक्शन है, और इंट्रोडक्शन भी किस चीज़ का कि किस तरह पाइथन यूज़ करते हुए या पाइथन को इंटीग्रेट कर सकते हैं इनटू पावर BI। हमारा कोर जो है वो पावर BI ही है, पावर BI पे ही काम कर रहे हैं, उससे बाहर नहीं निकलेंगे हम, लेकिन उसमें रहते हुए हम पाइथन की जो पावर है उसको कैसे पावर BI के अंदर यूज़ कर सकते, क्योंकि पावर BI के अंदर इंटीग्रेशन हमें अवेलेबल है पाइथन की और R, ये दो लैंग्वेजेज हैं। आर जो है वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए यूज होती है, पाइथन तो आपको पता ही है कि वो डेटा एनालिसिस के लिए भी इस्तेमाल हो रही है और बहुत सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो रही है आजकल। तो हम चूंकि डेटा से स्पेसिफिक हमारा काम, तो हम डेटा से स्पेसिफिक जो पाइथन का पार्ट है वो हम इसके अंदर कवर करते हैं, जिसमें एक बेसिक इंट्रोडक्शन है कि जी किस तरह आप मतलब पाइथन डेटा एनालिसिस के अंदर किस तरह इस्तेमाल होती है और उसको हम अपने पावर BI डेस्कटॉप के अंदर कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो उसमें लैंग्वेज के कुछ बेसिक्स हैं, किस तरह आप डेटा को पुल कर सकते हैं पाइथन का कोड यूज करते हुए अपने पावर BI के अंदर डेस्कटॉप के अंदर, और फिर उसको क्लेंस कैसे कर सकते हैं, डेटा की ट्रांसफॉर्मेशन एक पावर क्वेरी में होती है, एक पावर अपना पाइथन के जरिए भी होती है। ठीक है ना, तो पाइथन को यूज करते हुए आप डेटा को क्लेंस कैसे कर सकते हैं, इम्पोर्ट कैसे कर सकते हैं, और फिर उसको विजुअलाइज कैसे कर सकते हैं। एक तो हम चार्ट्स एंड ग्राफ यहाँ बनाते हैं पावर BI डेस्कटॉप के अंदर, पावर BI डेस्कटॉप के अंदर ही बनाएंगे, लेकिन पाइथन का कोड यूज करते हुए, पाइथन की एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी यूज करते हुए हम जो है वो विजुअल्स क्रिएट करेंगे अपने पावर BI डेस्कटॉप के अंदर। ठीक है ना, तो ये है ब्रीफ सा ओवरव्यू हमारा यहाँ तक जो है वो। सर PDF तो नहीं, रिकॉर्डिंग मैंने कहा ना जैसे कि वो अवेलेबल होगी आपके पास, तो आप ही आगे चल के डिस्कस करेंगे। हाँ वो तो अभी आप करेंगे। सर एम आई ऑडिबल? जी 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 श्योर। सर बेसिकली एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं अपना क्लियर करना चाह रहा था, आपका ओरिएंटेशन तो मैंने देख ली और काफ़ी सारी चीज़ें मेरी क्लियर भी हुई हैं। बेसिकली पूछना मैं ये चाह रहा था कि पावर BI में जो डेटा की जो इंटीग्रेशन है, क्या वो एक्सेल शीट से होती है या फिर इसमें हम एक दफ़ा इंपोर्ट करवा देते हैं डेटा, या एक्सेल से इंटीग्रेट करवा देते हैं लाइव डेटा चल रहा होता है? क्योंकि इस प्रेजेंटेशन के शुरू में इस तरह का हमें कहा गया कि पावर BI खुद इटसेल्फ डेटा सेव नहीं करता, तो मेरा सवाल ये है कि इसकी कोई अलग से सेपरेट फाइल होती है और इसका फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? मतलब एक जैसे वर्ड की फाइल होती है, हम बिना ओपन किए हम देख लेते हैं ये वर्ड है या ये एक्सेल है, तो हम अलग से इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? फर्दर ये है कि अगर मैं इस डेटा को अगर किसी को सेंड कर रहा हूँ या किसी से शेयर कर रहा हूँ, तो उसका मतलब लेआउट क्या हो सकता है? फॉर एग्जांपल अगर किसी मैनेजमेंट या MD लेवल पे हम बात करें, तो हम किसी को इस तरह से एडवाइस नहीं कर सकते कि सर ये वाला सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करेंगे तो आप इसको व्यू कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर है कि हर कोई ये रिकमेंड करता है कि मतलब अगर सीनियर लोगों की बात करें तो वो कोई इंस्टॉलेशन नहीं करेगा मेरे कहने पर, एटलीस्ट कि आप एक एक मेरा पेज देखने के लिए आप पावर BI इंस्टॉल करेंगे तो आपको ये नजर आएगा, वो कहेंगे भाई पावर पॉइंट पे लेकर आ जाओ अगर आपको कुछ शेयर करना है। तो इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है किसी मतलब रिमोट लोकेशन के लिए, या किसी को अगर मैं ईमेल कर रहा हूँ, तो ये जरा मैं क्लियर करना था, यहाँ पे मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ। मैंने अभी अभी प्रेजेंटेशन में जिक्र किया इसका, किसी और ने भी सवाल पूछा था कि आपके पास ये जो फाइल है पावर डेस्कटॉप की वो आप सेव हो जाती है .pbix, उसका एक्सटेंशन होता है जैसे एक्सेल का एक्सटेंशन होता है, और वो फाइल आप एवरेज किसी को ईमेल कर सकते हैं, लेकिन उसके पास खुलने के लिए पावर BI डेस्कटॉप इंस्टॉल होना जरूरी है, और ये कोई ऐसी टेक्निकल मसला नहीं है, कोई भी कर सकता है अपने पास इंस्टॉल। लेकिन जो है वो जो वो बात है कि बगैर किसी इंस्टॉलेशन के अगर आपने दिखाना है तो फिर आपको लाइसेंस चाहिए होगा, और उनको भी लाइसेंस चाहिए होगा जिसको आप दिखाना चाहते हैं, वो फिर अपने ब्राउजर में देखना चाहे लैपटॉप पे बैठ के वहाँ देख सकते हैं, आप मोबाइल ऐप है मोबाइल ऐप में देखना चाहे मोबाइल में देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास लाइसेंस होना जरूरी है, आपके शेयर करने वाले के पास भी और जो व्यू करने वाले उसके पास भी, दोनों के पास लाइसेंस कम से कम होगा तो आप ऐसा कर सकते हैं, अदरवाइज ये डेस्कटॉप की फाइल आप भेज सकते हैं।
ओके सर, और ये एक्सेल शीट में जिस तरह से हम उसकी सोर्स में जाके फार्मूलाज वगैरह चेक कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे एक शीट मुझसे शेयर की जाती है जो उसका मैं लेआउट देखूँ काफ़ी अच्छा लगता है मुझे, तो मेरे पास ये ऑप्शन होता है कि उसकी सोर्स में जाके मैं उसके फार्मूलाज देख सकूँ कौन सा पिवट टेबल लगाया है या वी लुकअप लगाया है इसी तरह से, तो पावर बी आई में भी इसी तरह का है या हम बिल्कुल चेक कर ही नहीं सकते हैं? नहीं, बिल्कुल चेक कर सकते हैं, आप खुद ही क्रिएट करेंगे तो आप चेक भी कर सकते हैं, जो फॉर्मूला आपने लगाए हैं वो बिल्कुल विजिबल होते हैं आपको। मैं किसी और की शीट अगर शेयर की है तो वो मैं अगर व्यू ओनली है तो मैं नहीं चेक कर सकता, या अगर वो मुझे राइट्स दे देता है तो क्या मेरे पास ऑप्शन मिलेगा मुझे, या इस तरह का कोई सिनेरियो होता ही नहीं है इसमें? नहीं, अगर देखिए किसी और ने डिजाइन करी और उसने हाइड कर दिए और वो आपको अलाउ नहीं करता तो जाहिर है नहीं देख सकते, लेकिन अगर आपने खुद डेवलप किया या किसी ने भी करी है और उसने हाइड नहीं किए हुए तो फिर आप देख सकते हैं सारे फॉर्मूलाज वगैरह जो भी लगे हैं, यानी अगर वो मुझे परमिशन देगा तो मैं चेक कर सकता हूँ। अच्छा, यही मेरा क्वेश्चन था, क्योंकि मेरी शीट अगर तो फिर तो जाहिर है मैं ही ऑनर हूँ उसका, उसमें इशू नहीं है। ठीक है सर, ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। मैं अब ये फरहान साहब को हैंड ओवर करता हूँ, फर्दर जो हमारी प्रेजेंटेशन है वो कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। ऑल राइट, थैंक यू सो मच तारिक साहब फॉर गिविंग अ डिटेल्ड ओरिएंटेशन ऑफ डिफरेंट चैप्टर्स दैट विल बी कवर्ड इन दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम। क्या फीडबैक है अब तक जी, क्या फीडबैक है? दम है, दम है जी हमारी ऑनलाइन ऑडियंस, दम है या नहीं है? जी जी बिल्कुल, एंड आई एम श्योर के ये जो जितना भी ट्रेनिंग सेशंस जितना इलैबोरेटेड है इसी तरह की हमारी ट्रेनिंग भी होगी, एंड आई एम श्योर इट विल डेफिनेटली हेल्प अस टू परसू इन आवर करियर। इंशाल्लाह, दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच। बिल्कुल इसी तरीके से, बिकॉज एक एक जो इसका जो एस्पेक्ट है ट्रेनिंग का, जो एक एक एक, एक एनालिस्ट, तो इस कोर्स के ऊपर प्रॉपर एक मेहनत हुई हुई है, प्रॉपर एक वर्किंग हुई हुई है, और इसके ऊपर प्रॉपर एक चीज जो बुनियादी तौर पर रखी गई है कि प्रैक्टिकल हो, क्योंकि हमें पता है कि हमारी ऑडियंस जो आती है वो डायरेक्टली कंपनी में अप्लाई करती है, तो यहाँ पे हम थ्योरी नहीं डिस्कस कर सकते। हाँ, थोड़ी बहुत थ्योरी डिस्कस कर सकते हैं ताकि आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग हो, लेकिन बुनियादी तौर पर तो आपको अप्लाई करना है। तो ये पूरी आउटलाइन हमने अपडेट की है, इससे पहले हमारी 2 months की आउटलाइन थी, जो हमारे पास कुछ ऐसे यूजर होंगे जो पुराने अभी आ रहे होंगे तो वो हमारे पास 2 months की आउटलाइन थी, लेकिन अब हम इसको 3 months पे ले गए, जिसमें हम पाइथन की इंटीग्रेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डिफरेंट जो फीचर्स हैं उनको भी हम इसमें ले गए, क्योंकि ये मार्केट की नीड हो गई है। तो हमारा तो मकसद ही ये है कि मार्केट की नीड के हिसाब से आपको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए ताकि आप अपने कॉन्फिडेंट यूजर बन सकें पावर बीआई के। तो इसके साथ साथ, क्योंकि हमारा यहाँ पे प्राइमरी फोकस लर्निंग के साथ साथ आपको वैल्यू एडेड सर्विसेज भी देने का होता है। वैल्यू एडेड सर्विस का क्या मतलब कि आपको मिसाल के तौर पे जो है वो प्रॉपर ट्रेनिंग तो दी जा रही है, लेकिन ट्रेनिंग के साथ साथ अलग अलग बेनिफिट्स भी दिए जा रहे हैं। नंबर वन बेनिफिट हम इसमें आपको ये देते हैं कि हम आपको कस्टमाइज्ड LMS एक्सेस पोर्टल का एक्सेस देते हैं, ताकि अगर आपसे सेशन कोई मिस हो जाए या आप उस सेशन की रिकॉर्डिंग वापस रिवाइज करना चाहें तो ये एक प्रॉपर पोर्टल बना हुआ है, जिसमें आपको यूजर आईडी और पासवर्ड मिलता है, और उस यूजर आईडी एंड पासवर्ड के बेसिस पे आप लॉगिन करके अपनी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, और उसका लेआउट इस तरीके से। और सिर्फ ये नहीं, लेकिन इसके साथ साथ हमने फर्दर वर्किंग की भी है कि वो सर्विस आपको प्रोवाइड करें जिसमें मोबाइल ऐप के थ्रू भी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो मोबाइल ऐप जो है वो आप डाउनलोड करें, वो आप जब रजिस्टर कर लेंगे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए तो फिर आपको एक मोबाइल ऐप का लिंक शेयर किया जाएगा जिसके थ्रू आप रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं। ये चीज बताना बहुत जरूरी है यहाँ पे कि रिकॉर्डिंग्स आपको 3 months, जो कि ट्रेनिंग प्रोग्राम 3 months का है, और 3 months प्लस 6 months, तो मतलब टोटल 9 months की रिकॉर्डिंग आपको दी जाती है एक्सेस ऑनलाइन स्ट्रीमिंग की बेसिस पर। तो ये 9 months एक इतना रीजनेबल अच्छा टाइम पीरियड है जिसमें अगर आप अपने आप को अप्लाई करना चाह रहे हैं तो एक अच्छा टाइम पीरियड है जिसमें आप अप्लाई करें, रिवाइज करें, सेशंस को बार बार देखें, ताकि आप जो है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में पावर बीआई को अप्लाई कर सकें। अच्छा, यहाँ पे ये बताना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ट्रेनिंग्स का जो शेड्यूल है वो एवरी संडे 18 जून से स्टार्ट हो जाएगा, 2 PM टू 5 PM एवरी संडे ये ट्रेनिंग रखी जाएगी आपके लिए। तो एवरी वीक 1 class होगी 3 घंटे की, और इस तरीके से इन 1 month 12 hours, 2nd month 24 hours, 3rd month में 36 hours, तो ये टोटल क्यूमुलेटिव 36 आवर्स की ट्रेनिंग है 12 आवर्स पर मंथ की बेसिस पर। ठीक है ना, संडे को रखा गया है ताकि हमारे पास थोड़ा बहुत जो स्पेयर टाइम होता है वो हम अपनी लर्निंग के लिए जो है वो एलोकेट कर सकते हैं। और ऑब्वियसली ये तो इसमें बहुत बड़ा एक फर्दर बेनिफिट है कि हमने इसमें आपको IFE UK की सर्टिफिकेशन के लिए भी आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो यू कैम IFE UK सर्टिफाइड,
पावर बी एनालिस्ट, क्योंकि आपके पास स्किल्स हैं, स्किल्स की बहुत ज्यादा अहमियत है, लेकिन स्किल्स के साथ अगर रिकग्निशन भी है विद सर्टिफाइड, एक अच्छा सर्टिफिकेट मिल रहा है, तो वो दोनों चीजें कंबाइन होकर एक बहुत अच्छा एक जो है वो एम्प्लॉयर के लिए अच्छा इंप्रेशन बन जाता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। एक फाइनल प्रोजेक्ट प्रोवाइड करते हैं हम आपको, वो फाइनल प्रोजेक्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा और उसमें उसके बाद डिसाइड किया जाएगा आपके एफआईएफ यूके सर्टिफिकेट का। तो फाइनल प्रोजेक्ट एक देना जरूरी है, मतलब जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो एक फाइनल असेसमेंट दी जाएगी, वो फाइनल असेसमेंट आप सबमिट करेंगे, उसके बेसिस पर आपको जो है वो सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज आपको मैं बहुत अहम बताता चलूं कि ये सर्टिफिकेट का प्रीव्यू किस तरीके से, ये भी देख लें इस तरीके से। ये हमारे एक पार्टिसिपेंट हैं, उनको ये सर्टिफिकेट मिला था, प्रॉपर रजिस्टर्ड नंबर और डैशबोर्ड रिपोर्टिंग एनालिसिस विद पावर बीआई फ्रॉम यूएक्सएल एन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटेंट्स इन ग्रोथ प्रोग्राम, और ये जो उनके सीईओ हैं आईएफए की ऑर्गेनाइज, ये आईएफए वाला है। जो गवर्नमेंट सर्टिफिकेट है वो इसमें ऑलरेडी कॉम्प्लीमेंट्री इंक्लूडेड है। तो इस कोर्स की फी जो मैं आपको आगे चल के डिस्कस करूंगा बताऊंगा, उस कोर्स फी में आपको एक यूएक्सएल की इंडोर्स सर्टिफिकेट गवर्नमेंट का आपको ऑलरेडी मिलेगा, ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड का, वो इसमें इंक्लूडेड है। अगर आपको एडिशनल सर्टिफिकेट आईएफए यूके का चाहिए तो उसकी 65 पाउंड फीस है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपसे ये डिस्कस करता चलूं, दोनों के लिए सर्टिफिकेट तो लेने के लिए दोनों आपको, लेकिन वो प्रोजेक्ट सेम है, फाइनल असेसमेंट सेम है, वो आपको इन एनी केस देनी है सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए। ठीक है ना, वही फिर आप आगे आईएफए यूके के लिए इस्तेमाल कर लें, और वही आपको पावर बीआई का जो इंडोर्स सर्टिफिकेट गवर्नमेंट प्रीटेस्टिंग मिलेगा उसके लिए तो मिलेगी। ठीक है, आपको यहाँ पे 36 आवर्स की ब्लेंडेड लर्निंग प्रोवाइड की जाएगी अलॉन्ग विद कॉम्प्लीमेंट्री सर्टिफिकेट फ्रॉम गवर्नमेंट प्रीटेस्टिंग बोर्ड दिया जाएगा, क्योंकि हम फुली रजिस्टर्ड है विद द गवर्नमेंट, और इसके साथ साथ कस्टमाइज एलएमएस रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड की जाएंगी। और सबसे अहम बेनिफिट जो कि मैं मिस करता था जब मैं जॉब करता था एज अ बिजनेस एनालिस्ट, आई वॉज वर्किंग एज बिजनेस एनालिस्ट इन IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स इन दुबई। तो जब मैं बिजनेस एनालिस्ट था तब मैं मिस करता था कि मेरे को एक मुझे एक मुझे जो है वो आप एक जो है वो एक व्हाट्सएप कम्युनिटी हो जिसमें मैं अगर कोई सवाल पूछूं तो मुझे सवाल मिल सके, उसका जवाब मिल सके। तो यहाँ पे मैंने इसलिए खास तौर पे ये बेनिफिट रखा है कि जो हमारी एलुमनाई में आ जाते हैं, जो हमारी यूएक्सएल का कोर्स को साइन अप कर लेते हैं, उनके लिए लाइफ टाइम व्हाट्सएप कम्युनिटी एक्सेस है फॉर पावर बी आई। मतलब जब तक हमारी हयाती है, जब तक ऑर्गेनाइज, तब तक इंशाल्लाह ताला पावर बी आई की व्हाट्सएप सपोर्ट आपको मिलती रहेगी। तो एक दफा आप जो है वो हमारे साथ अगर एक दफा एसोसिएट हो जाते हैं तो दैट इज लाइफ टाइम रिलेशनशिप दैट वी कंटिन्यू इंशाल्लाह ताला। तो ये सब वो आपको मैं जो है वो थोड़ी देर में बता दूंगा। हमारे पास ऑलमोस्ट 90% का रेशियो है पास का, सर तो 10% फेलियर किस में, 10% फेलियर उनका उनका इसलिए ही कि उन्होंने सीखा है, वो इसी वजह से ऐसा होता है हमारे कोर्स करने के, वो अपनी पर्सनल मसूफियत की वजह से अटेंड नहीं कर पाता, ब्रेक आ जाता है उसके बीच में। और कुछ लोग ये करते हैं ट्रांसफर करके रहेंगे भी, क्योंकि हमारा हाइब्रिड में है तो लोग का पहले तो ऑनलाइन पे जाते हैं, फिर उसका कहते हैं कि हम रिकॉर्डिंग देख लेंगे, वो लाइव सेशन भी अटेंड नहीं करता, ये उनके पार्ट में लैग होता है कि वो मिस होना शुरू होता है, मिस भी हो जाता है कभी, बस उनके यहाँ जाहिर है सब लोग गए वो आपकी तरफ से कोई ऐसा फैक्टर नहीं है। उसके ऊपर भी जो मिसाल के तौर पे 10% है, जो कि मिसाल के तौर पे ये यहाँ पे एक सवाल आया गया कि सर फाइनल प्रोजेक्ट का आपका किस तरीके से मैकेनिज्म चलता है, तो मैकेनिज्म का मकसद यह है कि वी आर नॉट फोकस्ड ऑन कि 2+2=4 है या नहीं है, 4 है तो फिर राइट हो गया, 4 नहीं है तो फिर वो वहां पे क्रॉस हो गया, हमारी ये अप्रोच नहीं है। यहाँ पे आपको यहाँ पे मैं अप्रोच बताता चलूं, हमारी अप्रोच है कि वो कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है,
वो टूल्स अप्लाई करते हुए भले रिजल्ट गलत पे पहुंच गया, लेकिन क्या उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उसके अप्लाई करने में या नहीं। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट, अगर उस बेसिक अंडरस्टैंडिंग में कहीं पहुंच जाता है तो यही तो मकसद है फाइनल प्रोजेक्ट का। बहुत ही आपको एक वीडियो दे दी जाती है पावर ग्रिड की। सर ये नौमान को म्यूट कर दें जी। नौमान को म्यूट कर दूं। ओके ऑलराइट। तो ये है कि यहाँ पे ये अप्रोच होती है। फिर आपका जो है वो देखा जाता है कि किस तरीके से जो है अप्रोच पैनल्स आपने सही तरह फिक्स किए हैं, यानी कि अगर आपकी अप्रोच ठीक है तो दैट मींस इट्स गुड, इट्स फाइन, बिकॉज we are not working in the company that you are working for, right? आप ultimately तो आप खुद apply कर रहे होते हैं। हमारा ये मकसद होता है यहाँ पे कि आपको जो tools सिखाए गए उनकी approach appropriate होनी चाहिए, फिर result जो भी आ जाए it's fine, approach सही होनी चाहिए, उसके ऊपर focus हो रहा होता। फिर अगर उस approach में कोई issue आ रहा है, मिसाल के तौर पे समझ में नहीं आ रहा या गलत हो गया, तो इसका मतलब ये थोड़ी को है कि आपको cross, no, we will provide a feedback to you कि यहाँ पे यही तो मकसद है final project का कि आपके वो जो एरियाज है जहां पे वीक पॉइंट्स आ रहे हैं उनको हाईलाइट करके उनके ऊपर फीडबैक दिया जाए और आप रीअटेम्प्ट कर लें एक दफा, ताकि जो है वो आप उसको सही करके सबमिट करें, दैट मींस यू हैव क्वालिफाइड, इट्स गुड। बिकॉज हमारा मकसद यहाँ पे ये थोड़ी को है कि आपको क्रॉस एंड टिक करें, नहीं, हमारा अप्रोच के ऊपर है कि वो ट्रेनिंग से फायदा हुआ, अप्लाई हुई या नहीं, ठीक है ना। अच्छा, अब जो है वो यहाँ पे हम फर्दर डिस्कस कर लेते हैं कि ये सब चीजें जो भी आपको ट्रेनिंग में हमने कवर कराई, चैप्टर आउटलाइन डिस्कस की, सारे बेनिफिट आपने डिस्कस किए, ये आपको जो है वो एक स्पेशल ऑफर के साथ मिलेंगे। तो क्या ये स्पेशल ऑफर हो जाए जी हमारे ऑनलाइन ऑडियंस, स्पेशल ऑफर हो जाए या मैं यहीं पे स्लाइड्स को एंड कर दूं? Yes, sure. Sure. अगर आप कहते हैं तो मैं स्लाइड्स को यहीं पे ऑफ कर देता हूँ जी, हो जानी चाहिए, हमारी फिजिकल ऑडियंस से कोई आवाज नहीं आ रही, होनी चाहिए, हो जाए। चले जी, ठीक है, इस पे तो बहुत जल्दी जल्दी आवाज आ रहे, होनी चाहिए, वैसे तो सवाल पूछता हूं तो कोई जवाब ही नहीं आता, सब खामोश हो जाते हैं। अच्छा जी, चले, तो स्पेशल ऑफर आपसे शेयर की जाती है। दिस कोर्स वॉज प्रीवियसली 11,350 पर मंथ, जो आपको ऑफर किया गया था इन लमसम में 33,050, बट आपके लिए आज, क्योंकि आपने ये स्पेशल डेमो हमारे लिए अटेंड किया, अपना टाइम निकाला है और हमने आपको इसमें डेमो में पूरी ब्रीफिंग दी है, तो आपके लिए ये 10,400 पर मंथ की बेसिस पर है, और आप अगर लमसम में पेमेंट कर देंगे तो 30,400 है। ये सिर्फ आपके लिए ऑफर रखी गई है इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि हम आपको रिवॉर्ड करें, क्योंकि आपने अपना कीमती टाइम हमारे लिए निकाला है तो हम भी आपको रिवॉर्ड करना चाह रहे हैं सामने। एंड मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट कि ये जो फी है ये इसमें सर्टिफिकेट की फी इंक्लूडेड है जो गवर्नमेंट का मिलेगा, और जो आई एफ ए यू के वो सेपरेट है, और लाइफ टाइम कम्युनिटी एक्सेस ऑफ व्हाट्सएप वो भी इंक्लूडेड है, इसके अलावा एल एम एस की रिकॉर्डिंग 9 months की वो भी इंक्लूडेड है, और इसके अलावा जो यहाँ पे फिजिकल ऑडियंस आए हैं जो कि ऑब्वियसली ऑन कैंपस इतने अच्छे स्टेट ऑफ द आर्ट इन्वायरमेंट में जो पढ़ रहे हैं, सब चीजें ऑब्वियसली इस साथ में इंक्लूडेड है, तो और टैक्सेस भी इंक्लूडेड है, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, दिस इज द फाइनल प्राइस दैट विल बी मी। ये ऑफर एक बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए रखी गई है, ट्यूजडे 13 June को ये ऑफर एक्सपायर हो जाएगी at 3 PM। मेक श्योर कि आप अभी के अपनी आपको रजिस्टर कर लें, और मेक श्योर करें कि रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप जो है वो ये फी ट्रांसफर ट्यूजडे तक, नहीं तो उससे पहले पहले कर दें, ताकि आप इस ऑफर से फायदा उठा सकें और अपने स्किल्स को ग्रो कर सकें। तो मैं अब आपसे जो है वो ये जो है वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक शेयर कर देता हूं, और इसके साथ साथ आपको ये भी बताता चलूं कि ट्रेनिंग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक संडे को 18 जून से बिटवीन 2 PM टू 5 PM स्टार्ट हो जाएगी। विद दैट आई वुड रियली लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग टू मी एंड अटेंडिंग दिस डेमोन्स्ट्रेशन, एंड आई वुड रियली लाइक टू वेलकम यू नेक्स्ट वीक संडे 2 PM टू 5 PM UXL कैंपस, ऑनलाइन एंड ऑन कैंपस दोनों मोड्स पे आपको ये ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दी जाएगी। थैंक यू सो मच। एनी क्वेश्चंस? द फ्लोर इज ओपन नाउ। बिल्कुल, ऑनलाइन भी अटेंडेंस हो जाती है और फिजिकल भी अटेंडेंस हो जाती है। देखें, अगेन इट डिपेंड्स ऑन द लर्नर टू लर्नर, बहुत सारे ऐसे लर्नर यहाँ पे एक सवाल पूछ रहे हैं कि सर ऑनलाइन पे जो अंडरस्टैंडिंग है वही ऑन कैंपस भी हो जाती है। मैं ये कहता हूं कि अगेन इट डिपेंड्स ऑन द लर्नर। अगर आप मुझसे पूछेंगे मेरी क्या चॉइस है, मैं ऑन कैंपस को प्रिफर करता हूं,
बिकॉज आप वन टू वन ट्रेनर के साथ बैठे होते हैं, आपको जो है वो वहीं पे गाइडेंस मिल रही होती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लर्नर्स होते हैं जिनको ऑनलाइन मोड बड़ा प्रेफरेबल होता है, वो पसंद करते हैं उसको, तो इट्स फाइन। अल्टीमेटली तो लर्निंग होनी चाहिए। हाँ, वी आर फ्लेक्सिबल, लेकिन रेकमेंडेड अप्रोच ऑन कैंपस। सर अगर कोई क्लास मिस हो जाए तो उसका क्या रिकॉर्डेड लेक्चर वगैरह अवेलेबल होगा? जी बिल्कुल, रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको प्रोवाइड हो जाते हैं, इन वन टू टू डेज आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाती हैं। और सर ये जो रिकॉर्डिंग्स हैं ये मतलब कितने से के लिए अवेलेबल रहेंगी एलएमएस पे? 9 months के लिए, 9 months। राइट, जी जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच नोमान सिद्दीकी साहब फॉर कंफर्मिंग। अच्छा, अब जो है वो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी एक प्रॉपर मेमोरेबल मूवमेंट आ जाती है, जहाँ पे हम सारे अपने पार्टिसिपेंट्स को रिक्वेस्ट करते हैं कि काइंडली जो है वो, ये एक ऐसा दौर आ गया जो कि बहुत ज्यादा वर्चुअल हो गया है, तो हम चाहते हैं कि इसको कैप्चर करें एक ब्यूटीफुल मेमोरी में। तो मैं प्लीज रिक्वेस्ट ऑल द पार्टिसिपेंट्स टू प्लीज ओपन अप योर कैमराज, ताकि हम जो है वो एक बेहतरीन एक मूवमेंट कैप्चर करें और आप सबसे जो है वो ये मूवमेंट अपनी शेयर भी करें। तो मैं प्लीज रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज ओपन अप द कैमरास। वाओ वाओ, एक्सीलेंट, देखें कितने वंडरफुल प्रोफाइल्स हमारे पास आए हुए हैं और वो कैमरा के पीछे छुपे हुए हैं, अब हमें नजर आ रहे हैं। दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच जी। आई मे रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज ओपन अप द कैमरास। ये वर्ड खोलिएगा, सारे खोल लें एक दफा, अभी भी कुछ ऐसे जो कि अभी नहीं खोल रहे, काइंडली प्लीज। इट वुड बी वंडरफुल टू सी यू आल्सो एंड हैव अ ग्रेट सेशन विद यू ऑल इंशाल्लाह ताला। ऑलराइट, जस्ट होल्ड ऑन कीजिएगा फॉर अ सेकंड एंड आई विल बी बैक। आपको जो है तो हमारी ऑनलाइन ऑडियंस अब फिलहाल तो नजर नहीं आ सकेगी फिजिकल, बट ये थोड़ा सा यहाँ पर ले लिया आपने वो? अच्छा जी, एक दफा प्लीज थम्स अप कर दें एंड देन आई विल टेक द स्क्रीनशॉट। थम्स अप प्लीज, थैंक यू। अभी मैं ले रहा हूँ एक स्क्रीनशॉट आप सबका, जस्ट होल्ड ऑन कीजिएगा। कहाँ है ये स्क्रीनशॉट? नहीं हो रहा, प्रिंट स्क्रीन से हो रहा है, कहाँ से हो रहा नहीं? थैंक यू सो मच। अच्छा, बहुत सारे ऐसे पार्टिसिपेंट थे जिन्होंने अपनी कैमरा नहीं खोली लेकिन वैसे ही थम्स अप कर लिया है, तो ये भी अच्छा है। चले जी, ऑल राइट, ओके, अब ले लीजिए, अब ले लीजिए। All right, that's great. Thank you so much. Thank you for confirming. Thank you. Thank you so much, Janab. Right. Any questions? Any questions? All right, मेरे ख्याल से डेमो इतना अच्छा हो गया कि कोई क्वेश्चन ही नहीं रहा अभी, ऐसे ही है। चले जी, यहाँ पे हमारे पास फीडबैक आ रहा है, सर डेमो इतना अच्छा हो गया कि कोई क्वेश्चन ही नहीं रहा। अगर ऐसा है तो फिर बता दें। All right. ऑल राइट जी, फराज साहब आप बिल्कुल वन मंथ की पे कर सकते हैं फी, आपको हमारी सपोर्ट टीम गाइड कर देगी। आप अपना नेम, ईमेल आईडी एंड सेल नंबर शेयर कर दें और आपको पेमेंट जो है वो की डिटेल्स शेयर कर दी जाएंगी। अपना बहुत ज्यादा, एक्सक्यूज मी, अच्छा ये आपने जो ऑफर हमें दी है ये असल में बहुत लिमिटेड टाइम के लिए है। हम लोग, हमारा एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स हैं जो कि कंपनी के थ्रू आपकी इस ट्रेनिंग को ज्वाइन करेंगे, तो
तो कंपनी के प्रोसेसर्स में टाइम लगता है, तो वो हमें अप्रूवल्स वगैरह करवानी होंगी। तो फरहान साहब आपके पास वहाँ पर फिजिकल ट्रेनिंग में बैठे हैं, इरफान अहमद, तो थोड़ा हमें कुछ रिलैक्सेशन दे दीजिएगा इस ऑफर में, ताकि हम वो अरेंज कर सकें सारी चीजें उसके लिए। बिल्कुल, मैं इरफान साहब से भी बात कर लेता हूं और इंशाल्लाह ताला विल बी देयर टू फैसिलिटेट यू इंशाल्लाह ताला। जी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जी 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 वाबसाम सर, एक्चुअली मैं पेमेंट कर रहा था ऑनलाइन अभी, तो 28,000 शो कर रहा है अभी मुझे। मैं वो आपको अपडेट करके भेज देता हूं अभी लिंक, ठीक है? थैंक यू, ऑलराइट, थैंक यू सो मच, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट वीक ऑन संडे 18 जून 2 PM टू 5 PM, थैंक यू, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप अपना आउटसाइड लेकर आ जाए लैपटॉप, बिल्कुल लेकर आ सकते हैं। वैसे जो है वो ये बात बताता चलूंगा आपको कि यहाँ पे मिनिमम 8 GB रैम होनी चाहिए आपकी और 120 GB SSD हो, तो वो जो है आपके लिए प्रेफरेबल होता है, अगर वो है तो फिर अच्छा है, नहीं तो ये हमने की अभी मॉडल। हाँ ठीक है आपके पास।